अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसके अंदर है कार्डियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसका जो मॉड्यूल होता है फर्स्ट ईयर में, और हेमेटोलॉजी, क्योंकि जो ब्लड है ब्लड भी इम्पोर्टेंट है उस मॉड्यूल के बारे में. सॉरी, ब्लड हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम फाउंडेशन मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे. और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और वेबसाइट जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन हम उसको एट द एंड डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. हम लोग फाउंडेशन की बात करते हैं, तो फाउंडेशन मॉड्यूल हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम लोग पहले फाउंडेशन डिस्कस कर लें या कार्डियो डिस्कस कर लें, टू यू गाइस, जो बेहतर लगे जैसा आप लोग. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर के दो पार्ट हैं, एक हमारा हार्ट है और दूसरा हमारी आर्टरीज और वेन्स. प्लीज तो प्लीज, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अब जहाँ मेरी पर क्लास ब्लड स्टार्ट हो वेसल्स गई, आवाज ज्यादा ना रहती हैं, तो ये दोनों चीजें आपने पढ़नी हैं. कुछ लोग ये सोचते हैं कि ना शायद उन्होंने सिर्फ हार्ट पढ़ना है, और वो बहुत सारी मेजर चीजें जो एग्जाम्स में आती हैं, जो हमारा वेस्कुलर वाला पार्ट है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसके अलावा वेस्कुलाइटिस वगैरह, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे ट्रिपल नेक क्वेश्चन में आते हैं, तो वो स्टूडेंट्स नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं. तो उसके बारे में बात करूंगा. सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, इस वजह से कि ना ये मॉड्यूल कम वक्त में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको टाइम ज्यादा देना चाहिए. जैसे कुछ जगह पर 4 वीक्स में पढ़ाया जाता है, कुछ जगह पर 5 वीक्स में पढ़ाया जाता है. आई थिंक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इतनी जल्दी ये खत्म नहीं हो सकता. सबसे पहले एनाटमी की बात करते हैं. एनाटमी मेरे हिसाब से सबसे सिंपल और सबसे आसान सब्जेक्ट है कार्डियो के, क्योंकि जब कार्डियो की आप बात करते हो तो कार्डियो में ब्लड सप्लाई जो होता है वो कोरोनरी आर्टरीज से होता है. कोरोनरी आर्टरीज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट डिविजन होती हैं. एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है. जो आपने पढ़ना है, आपने ये पढ़ना है कि ना कितनी ब्रांचेज हैं, और उन ब्रांचेस के अंदर जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, तो उसकी जो ब्रांचेस हैं वहां पर किस लोकेशन, मैंने पहले भी ये बात की थी कि ना लोकेशन इज इम्पोर्टेंट, कि कहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रहा है और इस ये क्यों जरूरी है, उसके बारे में मैं इसको इंटरलिंक करूंगा एक जगह, जब आपको समझ में आएगा कि ना ये आर्टरीज पढ़ना क्यों जरूरी है और ये स्टार्ट में ही पढ़ना क्यों जरूरी है. तो आर्टेरियल सप्लाई जब आप पढ़ते हो, मैं खुद की बात करूं तो मैंने थर्ड ईयर में जाके प्रॉपरली आर्टेरियल सप्लाई पढ़ी थी, उसके बाद मुझे कार्डियो सही से समझ में आया था. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. कार्डियो की जब आप बात करते हो तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई है, और ब्लड सप्लाई के अंदर जब आप चेक करते हो कि ना कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो कि सबसे स्मॉल आर्टरीज होती है, वो सप्लाई करती है ब्लड की वॉल्स को, ब्लड के मसल्स को, तो सॉरी हार्ट के वॉल्स को और हार्ट के मसल्स को, एंडोकार्डियम को. इसके अलावा जब आप देखते हो कि एओर्टा होता है, और एओर्टा का रिलेशन क्या है हार्ट के साथ, उसकी पोजीशनिंग क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसकी पोजीशनिंग क्या होती है, किस जगह पर होता है, कौन से चैम्बर से निकलता है, तो ये एक एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है हमारा कार्डियो का, ये आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी आर्टरी किस जगह से निकलती है और कहाँ लेके जाती है, और उसमें कौन से टाइप का ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है या ऑक्सीजनेटेड होता है, ये हमारा पूरा है कि ना ये, क्योंकि इंटरलिंक करते जाके फिजियोलॉजी के अंदर. तो एनाटमी के अंदर जहां तक मुझे पता है दिस इज द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग. इसके अलावा थोड़ा बहुत इसके अंदर मीडिया स्टेनम का पार्ट आता है, क्योंकि कार्डियक या फिर हार्ट ये हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है, और थोरेसिक कैविटी हम कल डिस्कस कर चुके थे कि थोरेसिक कैविटी क्यों इम्पोर्टेंट है, और हार्ट का लिंक होता है डायरेक्ट लंग्स के साथ, तो इसको रिलेट करके पढ़ना बहुत जरूरी है. तो हार्ट जो है वो लिंक करता है रेस्पायरेटरी, ब्लड और कार्डियक के साथ, ये इन सब के साथ लिंक करता है किसी ना किसी पॉइंट पे. जब आप पढ़ रहे होगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि ना क्या ब्लड के डिसऑर्डर से हमें कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
या फिर रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर से हमें कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास मैं कार्डियो का मेरा वार्ड था, तो उस वार्ड में एक पेशेंट थी, तो उनको था ओवेरियन कैंसर, सही है। अब उनको ओवेरियन कैंसर था, उनको लेकर आए हुए थे कार्डियक वार्ड में। तो जब हम अब उस टाइम पे तो मुझे पता था कि ना क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि होता ही है कि ना जिस भी जगह पेशेंट होता है आप चेक करते हो, और कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो कार्डियो का रोल हर फील्ड में आता है, भले वो रिमेटोलॉजी हो, भले वो ऑर्थोपेडिक्स हो, भले वो रिप्रो हो, भले वो जीआईटी हो, भले वो ब्लड हो, और कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम के अंदर कॉम्प्लिकेशंस में कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो दैट्स व्हाई कार्डियो इज इम्पॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंस के बाद जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको और मजा आएगा थोड़ा सा। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो है, अच्छा एनाटॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का, ताकि हम फौरन फिजियोलॉजी पे जाएं और फिजियोलॉजी के बारे में बात करें। ओके, फिजियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। फिजियोलॉजी में जब आप देखते हो तो फिजियोलॉजी आता है फंक्शन। तो हार्ट का जो फंक्शन है वो पंप करना है, ब्लड को पंप करना है। तो हार्ट, अच्छा पहली चीज मैं एनाटॉमी के अंदर एक और चीज बता दूं कि हर मसल्स की कैपेसिटी डिफरेंट होती है जब आप हार्ट की बात करते हो। और ये लिंक पे करूंगा जब मैं आपको पैथोलॉजी वगैरह समझा रहा हूँ कि ना कहाँ पर वो लिंक करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये मसल्स, ये आर्टरी क्यों पढ़नी है, इनका क्या रोल है। तो हर किसी चीज का जो आप पढ़ते हो एनाटॉमी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर, वो कहीं ना कहीं लिंक कर रहा होता है कि डिजीजेस के साथ या पैथोलॉजी के साथ। तो जो मसल्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ना किस तरफ मसल्स क्वांटिटी ज्यादा है या फिर मसल साइज बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, तो उसका साइज एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल बड़ा होता है। तो इस वजह से ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको उसके अंदर जब इंटरनल आप जाते हो तो आपको कॉर्डा टेंडिनी मिलेंगे। कॉर्डा टेंडिनी फाइबर्स होते हैं, वो क्या नाम है, वेल्व्स के लिए होते हैं, जो आपके पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स होते हैं। तो वहां पर वो कॉर्डा टेंडिनी होते हैं, टेंडन्स टाइप होते हैं वहां पर, और वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड वेसल्स। अब जिसने ब्लड वेसल्स में हमने हाई स्कूल या फिर इंटर में हमने पढ़ा था कि जो आर्टरीज और वेन्स के दरमियान डिफरेंस क्या है इन दोनों में। जैसे आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं, वेन्स जो है वो थिन होती हैं, और जो ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो इसमें थिक होता है एज कम्पेयर टू वेनस सप्लाई। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जब आप डिफरेंट डिजीजेस पढ़ोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ना कार्डियोवैस्कुलर इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ट, इट्स अबाउट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ना है थोड़ा बहुत, एनेटमी रिविजन है बेसिकली, कि जिस तरीके से आर्टरीज आती है, मेजर आर्टरीज होती हैं, उसके बाद मेजर आर्टरीज डिवाइड होती हैं और वो आर्टरियोल्स बनती हैं, आर्टरियोल्स में के बाद वो कैपिलरीज बनती हैं, फिर विनियोल्स बनता है, विनियोल्स के बाद एक वेन्स, वेन्स के बाद वेना केवा। तो ये पूरी जो एक चेन है ये आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर पूरा किस तरीके से है और कहाँ पर क्या क्या हो रहा होता है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वेन्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना होता है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उसके पास वेल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को बैक फ्लो को रोकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत चीजें एनाटॉमी के अंदर ऐसी हैं कि ना जो कि माइनर समझ के छोड़ दी जाती हैं और वही एग्जाम में आता है, क्योंकि डाओ को या किसी भी जो भी एग्जाम्स ले रहा है उनको ये पता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चा छोड़ देगा, उसको लगेगा ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसके अलावा सब पढ़ लेगा, वो आपको दे देंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्योंकि वो खुद इस फील्ड से गुजर चुके हैं, उनको पता है कि ना वो किस चीज को इंपॉर्टेंस देते थे, किस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो वो चीजें क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके प्लस मार्क्स हो सकते हैं जब आप ये छोटी छोटी चीजें पढ़ लो। ओके, फिजियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। तो फिजियोलॉजी जो फंक्शन है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, उसके अंदर वेल्स होते हैं, उसके अंदर मसल्स होते हैं, मसल्स का काम, मसल्स जो है वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा होते हैं ताकि उनका साइज बड़ा होता है ताकि वो पंप कर सके पूरी बॉडी की तरफ। इसके अलावा जब आप देखेंगे क्या नाम है, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, ये पूरा जो एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ना है कि किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है और आर्टरीज से ब्लड कहाँ जाता है, वेन से ब्लड कहाँ जाता है, वेन से ब्लड किस फॉर्म में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जाता है या फिर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जाता है, हार्ट में कौन सी साइड से ब्लड आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेना केवा होता है, टू टाइप्स ऑफ वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो है अपर बॉडी से लेकर आ रहा होता है आपके, ये अपर बॉडी नहीं बेसिकली हेड से और अपर लिम्ब से सुपीरियर वेना केवा लेकर आ रहा होता है, और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से लेकर आता है।
तो इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए कि ना कौन कौन से ऐसे पार्ट है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर या फिर विच ऑफ दीज क्या नाम है, वेनस सप्लाई सही है डज नॉट गो थ्रू सुपीरियर वेना केवा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब सुपीरियर वेना केवा में कौन सी ऐसी ब्लड सप्लाई जो कि नहीं जाती, वेन्स जाके वहां पर ड्रेन नहीं करती, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वेना केवा के हवाले से, वहां पर लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होती है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, सर्कुलेशन को आपने तीन चार तरीके से देखना है। सर्कुलेशन को आपने ईसीजी के हवाले से देखना है, सर्कुलेशन को आपने मसल कॉन्ट्रेक्शन के हवाले से देखना है, सर्कुलेशन को आपने जुगुलर वेनस प्रेशर होता है जो कि अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, मैंने भी छोड़ा था। जेवीपी इज इम्पोर्टेंट, उसमें वेव्स डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू ईसीजी, दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। जेवीपी डिफरेंट है, ईसीजी डिफरेंट है, और दोनों आपने पढ़ना है। फिजियोलॉजी सबसे मेजर सब्जेक्ट है, अगर आपने फिजियोलॉजी नहीं किया तो फेल सीधा सीधा, क्योंकि वैसे भी पैथोलॉजी नहीं समझ में आएगी फिजियोलॉजी के बगैर। तो फिजियोलॉजी सबसे मेजर सब्जेक्ट है और ये आपने करना है। तो ईसीजी के बारे में बताता हूँ, ईसीजी आपने करना कैसे है। होता यह है कि ना ईसीजी का लिंक डायरेक्टली डिजीजेस के साथ नहीं है जो कि आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे, ईसीजी का लिंक होता है एरिथमियाज के साथ जब आप पढ़ते हो कि ना यार। और दूसरा आपने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आपने ईसीजी देखना होता है, जो कि मेरे ख्याल से आप अभी भी, आपको दूं तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो यू विल नो कि एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ईसीजी प्रेजेंटेशन किस तरीके की होती है। लेकिन जब आप एरिथमियाज में जाते हो तो एरिथमियाज में सिचुएशन चेंज हो जाती है और ईसीजी अच्छा खासा चेंज हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर के सर्कुलेशन के ऊपर, तो ब्लड सप्लाई के ऊपर, जिस तरीके से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेना केवा से, और वहां पर बाइकस्पिड वेल्व होता है या फिर मिट्रल वेल्व होता है, वहां से ब्लड जाता है यहाँ पर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में। अब इस पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो लेके जाता है फिर लंग्स की तरफ, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स आती हैं जो कि ड्रेन करती हैं यहाँ पर हमारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, सही है। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड जो है साइनो एट्रियल नोड है, और एवी नोड जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब इस दोनों नाम को समझना है कि साइनो एट्रियल का मतलब है इसके अंदर सिर्फ एट्रियम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ इम्पल्सिस या ओरिजिन ऑफ ये जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो यहाँ से ओरिजिनेट करती है एसए नोड से, फिर वो एट्रिया को सिग्नल्स भेजती है कि भाई अब आपने एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। लेकिन साथ साथ एवी नोड पे भी सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में कि अब आपने भी क्या नाम है आप डीपोलराइजेशन करनी है, और डीपोलराइजेशन के बाद जब वो रीपोलराइजेशन करेगा इस दोनों के दरमियान होगा एक होता है एक रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब वो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है इस दौरान एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में आते हैं, और उसी टाइम पे जो नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं ताकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तो उस टाइम पे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ना हो। इसलिए हमारे पास दो नोड होते हैं, एक एसए नोड और एक एवी नोड। इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि लोग अक्सर मिक्सअप कर देते हैं कि एसए नोड और एवी नोड, एवी नोड जो है वेंट्रिकल को सप्लाई करता है और एसए नोड एट्रियम को सप्लाई करता है। ऐसे नहीं पढ़ना है, पढ़ना ऐसे कि साइनो एट्रियल नोड का काम ये है कि कॉन्ट्रेक्शन करवाना ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, लेकिन एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन वो डायरेक्टली करवाता है और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रेक्शन के लिए वो एवी नोड को सिग्नल देता है। लेकिन एवी नोड पे एक रिफ्रेक्टिव पीरियड, एक पॉज होता है जब तक एट्रिया अपनी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन पूरी कंप्लीट कर ले। समझ में आया यहाँ तक कि यहाँ पर फिजियोलॉजी के अंदर ये किस तरीके से काम करता है। ओके अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जिस जगह पर आप चेक कर रहे होते हो कि ईसीजी की बात आती है, तो ईसीजी में जो मेन रोल है वो है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसके पीछे क्या है, मैं आपको लेयर्स के बारे में बताता हूँ कि ना हर चीज के पीछे एक लेयर है। आप एक लेयर हटाओगे आपको दूसरी लेयर दिखेगी, चार लेयर्स है, चारों लेयर्स डिफरेंट है, लेकिन मतलब कि ना चारों के ऊपर वाली जो लेयर है वो सरफेस है। जैसे आपको हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता हुआ दिख रहा है लेकिन उसके पीछे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, डीपोलराइजेशन हो रही होती है, रीपोलराइजेशन हो रही होती है,
आयंस का इसके अंदर रोल होता है, कैल्शियम का इसके अंदर रोल होता है, पोटेशियम का रोल होता है, सोडियम का रोल होता है। अब जब आप जब पढ़ते हो ना एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल वैसे मेरे ओवरऑल फेवरेट टॉपिक है जब मैं बात करता हूँ लोकोमोटर की या फिर कार्डियो की या फिर कोई भी मसल्स की, क्योंकि इसके अंदर जब आप देखोगे ना आपको एक्चुअल समझ में आता है कि नहीं यार ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसके पीछे क्या केमिस्ट्री क्या है, कि मतलब ये है क्या, ये होता कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक करते हो कि यार रेस्टिंग मूवमेंट पोटेंशियल है, रेस्टिंग मूवमेंट पोटेंशियल -90 mV है, उसके बाद फिर एक क्या नाम है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक जाता है, वहां से फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, वहां से सोडियम का इनफ्लक्स होता है, फिर वो एक पोजीशन पे पहुंच के रुक जाता है क्योंकि वो सोडियम का नर्स पोटेंशियल है जो कि +35 है, उसके बाद फिर कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है और पोटेशियम जो है वो बहुत तेजी से बाहर जा रहा होता है, जिसकी वजह से एक प्लेटिव फेज होता है। फिर क्या होता है कि कैल्शियम आना रुक जाते हैं और पोटेशियम बहुत तेजी से बाहर जा रहा होता है, एक फिर एक ड्रॉप होता है सडन जो कि रिपोलराइजेशन है। तो ये पूरा एक्शन पोटेंशियल आपको समझ में आता है कि ना इस पूरे फेज के पीछे हो क्या रहा है, ये एक पूरे एक्शन पोटेंशियल के पीछे हो क्या रहा है, डीपोलराइजेशन से लेकर रिपोलराइजेशन के पीछे हो क्या रहा है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, उसके साथ ईसीजी में चेंजेस भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डीपोलराइजेशन में हुआ डिले, सही है, उस डिले की वजह से ईसीजी डिफरेंट आएगा, अगर रिपोलराइजेशन में डिले हुआ उसकी वजह से डिफरेंट आएगा, अगर कैल्शियम में कमी हुई या जाती हुई हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया उसकी वजह से प्लेटियो फेज में चेंजेस आएंगी, उस चेंजेस की वजह से आपका ईसीजी डिफरेंट आएगा। अगर फॉर एग्जांपल सोडियम आपको हाइपोनेट्रीमिया, आपकी बॉडी में सोडियम कम है, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन वाला जो फेज है उस पर उसको अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके ईसीजी में चेंज आएगा। तो ईसीजी आपका फ्रंट, बेसिकली एक फ्रंट वाला जिसमें मैंने लेयर्स की बात की, तो आपको ईसीजी दिख रहा होता है और आपने बैक ऑफ द माइंड आप ये सोच रहे होते हैं अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, शायद इस बंदे की बॉडी में कैल्शियम कम हो, तो उससे पूछा जाता है कि ना इसकी ये डाइट में क्या खाता है, हिस्ट्री टेकिंग जो होती है, या फिर सोडियम कम है तो उससे पूछा जाता है कहीं ये डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, तो उसकी कंडीशन देखते हैं, अगर ये डिहाइड्रेटेड है तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। अगर हाइपोकैलीमिया जो कि पोटेशियम की होती है, पोटेशियम की कमी की वजह से, तो अगर उसको वॉमिटिंग हुई है तो वॉमिटिंग की वजह से हाइपोकैलीमिया हो सकता है। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, कहीं पर भी जो भी चेंज आएगा आपको पता होगा कि ना यार ईसीजी के पीछे आप सोच सकते हो, सर्टेन डायग्नोसिस बना सकते हो ये ईसीजी में चेंज आया है क्यों आया। अब फॉर एग्जाम्पल हम पीवीएफ की बात करते हैं, तो पीवीएफ के पीछे जो है एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन होती है और वो एक सर्टेन थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, और उसके बाद जब एक बीच में एक पॉज आता है, इस दौरान एट्रिया की रिलैक्सेशन हो रही है, सही है, फिर क्या आता है क्यू वेव, फिर आती है आर वेव, फिर आती है एस वेव, उसके बाद आती है एक सर्टेन पॉज, फिर आती है टी वेव। तो अब आपको ये समझना है कि ना भाई ये हो क्या रहा है असल में, इस पर्दे के पीछे है क्या। मैं इसी तरीके से समझाता हूँ कि ये पर्दा है ईसीजी, इसके पीछे 10,000 चीजें हो सकती हैं, तो यू शुड नो कि पी वेव के पीछे क्या क्या मैकेनिज्म चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पी वेव के पीछे कॉन्ट्रेक्शन हो रही है तो किसकी हो रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है तो किसकी हो रही है, उस टाइम पे एस ए नोड एक्ट कर रहा है या ए वी नोड एक्ट कर रहा है, जब इस तरीके से समझोगे। और फॉर एग्जाम्पल वो किस एरिया पे कॉन्ट्रेक्शन होगी, अब उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई होगी तो यू विल नो द ब्लड सप्लाई ऑफ दैट एरिया, तो आपको पता होगा यार ये वाली जो वेव है इसमें मुझे फॉल्ट नजर आ रहा है, तो शायद इसमें इस केमिकल की कमी है, शायद एस ए नोड का या ए वी नोड का मसला है जो आपके दिमाग बैक ऑफ द माइंड है कि इसके पीछे कौन सा नोड काम कर रहा है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होगा कि इसके जो ब्लड सप्लाई है कि ब्लड सप्लाई या इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ईसीजी में चेंजेस के लिए आपको पता पढ़ने के लिए आपको पीछे की चीजें पता होनी चाहिए कि नहीं यार ये क्या नाम है जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है या फिर कोई और चेंजेस हो रही है, उन चेंजेस की वजह से क्या अफेक्ट पड़ सकता है हार्ट को, वो आप डायग्नोसिस करते हो ये सारी चीजें देखने के बाद। क्योंकि आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते ही एक कार्डियक वार्ड में या कार्डियक ओपीडी में आपको जाने से पहले ईसीजी करवाना होता है, ताकि वो डॉक्टर देखे मैं ले चुका हूँ वार्ड, तो हमसे पूछते थे इसको क्या क्या हो सकता है, इसके पीवीएफ में मसला है, इसके ये मसला है, इसके ये मसला है। ये चीज समझ में आई, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ईसीजी से रिलेटेड? एनीवन? ओके, ईसीजी की जब हम बात करते हैं,
वो वहां पर या इट इज इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से इतना नहीं है आप लोगों के लिए, आपको थोड़ा बहुत लीड्स के बारे में पता होना चाहिए. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जब आप ECG देखते हैं ना, आप लोगों ने सिर्फ एक ECG देखा होता है, लेकिन वहां पर V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, लीड 1, लीड 2, लीड 3, वो सब लिंक कर रहे होते हैं इसके साथ, आपके जो ब्लड सप्लाई है उसके साथ, क्योंकि वो एरिया वाइज डिवाइड होता है. वो एनालिसिस आपको आएगी प्रैक्टिस के साथ, सही है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर पता नहीं आपको 15 से 20 वीडियोस देखनी पड़ेगी सिर्फ वो चीज, एक चीज समझने के लिए. वो मैं रेकमेंड करूंगा आपको, मेरे पास कुछ वीडियोस हैं ECG की, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है डायरेक्टली. तो ECG बहुत वास्ट टॉपिक है, मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ना ECG इट्स नॉट ओनली अ टॉपिक, बट ये लिंक करता है सर्टेन चीजों के साथ. अगर वो चीजें आप नहीं करोगे तो आपको कार्डियक कार्डियो समझ में नहीं आएगा कि ये कार्डियो है क्या, आप पास हो जाओगे. बट व्हाट वी आर डूइंग कि हम चाहते हैं कि ना भाई, अगर स्टूडेंट थोड़ा सा भी पढ़ रहा है तो ही और शी शुड नो कि इसके बैक इसका कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो एक चीज आती है कार्डियक आउटपुट, एक चीज आती है स्ट्रोक वॉल्यूम. ये दो चीजें समझ में आती है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. अब जब आप देखते हो कि कार्डियक आउटपुट में कमी हो या उसमें ज्यादती हो, जैसे या फिर क्या नाम है, कार्डियक आउटपुट बढ़ी है या कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, तो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है. डॉक्टर नजीब काफी है डॉक्टर ने, लेकिन टाइम नहीं है. मैं अगेन हम लोग टाइम की बात करें कि ना टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे. डॉक्टर नजीब अच्छा है, मैं यही बोलूंगा कि ना कार्डियो के लिए डॉक्टर नजीब इज बेस्ट, कार्डियक फिजियोलॉजी के लिए. अब आपने क्या चीजें पढ़नी है, आपने फिजियोलॉजी पढ़नी है. फिजियोलॉजी मेजर टॉपिक है क्योंकि उसके अंदर अच्छी खासी चीजें हैं, उसके अंदर ECG है, उसके अंदर JVP है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट है कि ब्लड किस तरीके से आपके थ्रू आउट दिस सर्कुलेशन ऑफ हार्ट यहाँ पर किस तरीके से सर्कुलेट करता है, और वहां पर क्या क्या किन किन चीजों का रोल हो सकता है. अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, ताकि फिर हम आगे मूव ऑन करें. समझ में आया सबको अभी तक, या कहीं पर कोई डाउट? ये चीजें डिस्कस करने के बाद फिर मैं बताऊंगा रिसोर्सेस के बारे में, कहां कहां से कर सकते हो. फर्स्ट वी नीड टू नो द इम्पोर्टेंस, ताकि जो भी आप रिसोर्स करो उसको फिर उसके हिसाब से यूज करो. रिसोर्सेज बताना कोई मसला नहीं है, मैं आपको रिसोर्सेज अभी बता दूंगा कि ना कौन कौन सी रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो कार्डियो. ओके, अब बात करते हैं थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री के बारे में, सही है. तो जब आप कार्डियो के अंदर बायोकेमिस्ट्री है अच्छी खासी है, और वहाँ पर क्योंकि लिंक होती है आयंस चैनल्स ये सारी चीज़ें, और सर्कुलेट क्या नाम है आपका, अच्छा हिस्टोलॉजी की बात हमने अभी तक नहीं की किसी भी उसमें सब्जेक्ट में, ना हमने ब्लड में बात की थी, ना हमने रेस्को में बात की थी, ना हमने इसके अंदर लोकोमोटर में बात की थी. तो हिस्टोलॉजी के बारे में अभी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ जो जो पिछली मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे. तो हिस्टोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि आपको कई जगह तंग कर सकता है, क्योंकि उसके वाइबल स्टेशंस भी होते हैं और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, और कभी कभी पिक्चर्स भी आती हैं पेपर के अंदर हिस्टोलॉजी, क्योंकि हिस्टोलॉजी को माइनर समझा जाता है, वहां से आ जाता है. नो, बायोकेम मेजर नहीं है, बायोकेम इज नॉट मेजर TVS में, लेकिन बायोकेम में कुछ चीजें हैं दैट यू शुड नो, क्योंकि अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं बायोकेम के, हम नहीं चाहते कि ना वो आप नहीं करो, मतलब वो गलत करके आ जाओ. इस वजह से मेजर सब्जेक्ट फिजियोलॉजी है, क्योंकि फिजियोलॉजी से लिंक करता है आपके एरिथमियास, और फिजियोलॉजी से लिंक करता है आपका ECG, फिजियोलॉजी से लिंक करता है आपके हार्ट के सारे फंक्शंस और ट्रांसपोर्टेशन, SA नोड, AV नोड, मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं. इसी को करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा आपको, और सबसे ज्यादा टेंशन लोगों को फिजियोलॉजी की होती है कि यार फिजियो कैसे खत्म करें कार्डियो की, क्योंकि नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर आप एक स्मार्ट वे में चलो, जिस तरह मैंने लेयर्स की बात की, ये लेयर्स अगर आपको समझ में आई हैं या फिर कोई और कॉन्सेप्ट हो, बट मेरे हिसाब से कि ना अगर आप इस तरीके से चलो तो आई थिंक कि ना कार्डियो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. बिल्कुल आसान नहीं होगा, बट मुश्किल तब भी होगा, लेकिन थोड़ी बहुत एक हेल्प होगी होगी मेरे हिसाब से. खैर,
तो मैं हिस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा था, तो हिस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आप लोकोमोटर की बात करते हो तो लोकोमोटर के अंदर आते हैं कार्टिलेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, यू शुड नो अबाउट दैट। कार्टिलेजेस की कितनी टाइप्स होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, और साथ में आपके पास हाइलेन कार्टिलेज होता है। तो इन तीनों में डिफरेंस हिस्टोलॉजिकली क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कि अगर इनके फॉर एग्जांपल स्लाइड आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए ये पिक्चर किस चीज की है, कौन से कार्टिलेज की है। इसी तरह रेस्पिरेटरी के अंदर एपिथीलियम कौन सी होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ब्लड की भी थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी है, लेकिन हिस्टोलॉजी कर लेना क्योंकि हिस्टोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आते हैं और बच्चा बोलते हैं यार हिस्टो से कहां से आ गया क्वेश्चन। खैर लेट्स कम टू कार्डियो अगेन। कार्डियो की हमने एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया, हमने फिजियो के बारे में डिस्कस किया, अब हम पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइक हुसैन काफी है, एक और ट्रिक बताता हूँ आपको कि लाइक हुसैन से पढ़ाई करो और आप जैन क्वेरा से आप पिक्चर्स देख लो। जब आप पिक्चर्स देखोगे तो पिक्चर से आपको और आइडिया होता है। हमारी मीटिंग थोड़ी देर में एंड हो जाएगी तो आपने रिज्वाइन करना है सबने। सही है। और अब मैं पैथोलॉजी के ऊपर आ रहा हूँ, अब किसी का अगर एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। यार फाउंडेशन के अंदर हिस्टो में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैप जंक्शंस हैं, तो गैप जंक्शन से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एपिथीलियम होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू भी टाइप्स, और इसके अलावा आपके पास जो और जितनी भी टाइप्स होती है आपको पता होनी चाहिए, लेकिन एपिथीलियम मेजर है। फिजियो मैं कार्डियो की कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर दोस्त से करो, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता फिर दोस्त इज अ रिस्क फॉर कार्डियो। फिर दोस्त से आप लोकोमोटर कर सकते हो क्योंकि लोकोमोटर का माइनर सब्जेक्ट है, और फिजियोलॉजी आप रेस्पिरेटरी के लिए कर सकते हो, माइनर नहीं है लेकिन उसमें इतनी चीजें नहीं है पूछने वाली। ब्लड भी मैं रेकमेंड नहीं करता आप फिरदोस से करो क्योंकि ब्लड की अच्छी खासी फिजियोलॉजी है। तो मेरे ख्याल से फिरदोस से बेहतर आप डीआरएस के साथ दूसरी वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस जो लेक्चर वीडियोस होती हैं वो देख लें तो ज्यादा बेहतर है। और अगेन उस दिन भी मैंने आपको दिखाई थी वीडियोस, मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ एक मिनट। सही है। तो अब जब आप बात करते हैं यूट्यूब, सर कल वाले थोरैक्स में मैंने लिखा कार्डियक फिजियोलॉजी। सर अब आप एक तो डॉक्टर नजीब हर जगह मिलेंगे जहां पर कार्डियक आएगा। निंजा नर्ड के बारे में आप अगर आपको पता हो तो अच्छे खासे लोग देखते हैं निंजा नर्ड, यहाँ पर है ये प्लेलिस्ट है पूरी। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि ना जो भी बुक पढ़ रहे हो यहाँ से ये वीडियोस देख लो, यहाँ पर मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सही है। कार्डियक फिजियोलॉजी के बारे में बात कर ली और अब हम बात करते हैं कार्डियक पैथोलॉजी के बारे में। कार्डियक पैथोलॉजी के अंदर दो चैप्टर्स आपने करने हैं। पहला चैप्टर जो है वो वैस्कुलर पैथोलॉजी का है, दूसरा चैप्टर जो है वो कार्डियक पैथोलॉजी का है। सबसे पहले आते हैं वैस्कुलर कार्डियक पैथोलॉजी, क्योंकि हम कार्डियो के बारे में बात करते हैं काफी देर से। तो कार्डियो पैथोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहली चीज जो कार्डियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंजाइना, क्योंकि एंजाइना की दो तीन टाइप्स होती है दैट यू शुड नो। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और प्रिज्मेंटल एंजाइना। अब इनमें ये आपको याद रखना है कि ना जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिनेशन में लाओ कि ना यार एक पेशेंट है, वो पेशेंट मेरे पास किस किस तरह आ सकता है। एक पेशेंट आया, उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी देर पहले दर्द हुआ था लेकिन अब नहीं है। एक आता है दर्द के साथ आता है पेशेंट, डॉक्टर साहब मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। सही है। इसके बाद कुछ और कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि मतलब कि ना अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं और उनके बताते हैं कि ना भाई इनको थोड़ी देर पहले दर्द हुआ था, उसके बाद से ये उठे नहीं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर पेशेंट आ सकता है। तो व्हाट विल यू डू, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए एंजाइना क्या होता है।
एंजाइना के अंदर जो ईसीजी प्रेजेंटेशन है वो क्या होती है, स्टेबल में, अनस्टेबल में, प्रिज्मेंटल में। आप ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ना कौन सी ड्रग आप यूज करते हो। मायोकार्डियल इंफार्क्शन सबसे मेन है, क्योंकि इसी की ऑस्पी मैंने देखी है कई दफा आती है एमआई की, और एमआई के दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एसटीएमआई और एक होता है नॉन एसटीएमआई। एसटीएमआई जो है एसटी एलिवेशन है, और नॉन एसटीएमआई जो है नॉन एसटी एलिवेशन है। अब क्या होता है कि ना जब आप ईसीजी पढ़ते हो तो एस और टी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था, उसके बाद टी है, टी के बीच में जो एक पॉज होता है वो पॉज अगर एलिवेटेड हो तो ये एसटी एलिवेशन होगी, और जब वो डाउन हो तो एसटी डिप्रेशन होगी। इसके पीछे की बात ये है कि नॉन एसटीएमआई पहले होता है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ब्लड सप्लाई के बारे में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप केएफसी जाते हो, केएफसी आपने ऑर्डर किया आपका बर्गर, लेकिन वहां पर डिले हो रहा है, आपको ऑर्डर करना है लेकिन लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी है, 5-6 लोग हैं, और आपका नंबर आएगा 5 के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको उसने ऑर्डर किया, वो सबसे आगे खड़ा हुआ था, सबसे पहले उसको मिलेगा, फिर दूसरा बंदा है, फिर उसको मिलेगा, फिर जो तीसरा बंदा है उसको मिलेगा। इसी तरह हार्ट को हम डिवाइड करते हैं 3 चीजों में, सही है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, हार्ट के जो मसल्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ब्लड सप्लाई रुकती है किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल कोई थ्रोम्बस था, कोई एम्बोलॉय था, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हुई। अब ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहां के सेल्स जो थे वो नेक्रोसिस की तरफ जाने से पहले वो क्या होंगे, हाइपोक्सिक, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया का मतलब है कि सेल मर रहे हैं, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लेकिन किसकी होगी, जो पहला बंदा आगे खड़ा हुआ है, जो पहली लेयर है, जो ब्लड सप्लाई के सबसे नियर बाय एयर है वहां पर होगा। उसके बाद वो सेकेंड लेयर में आएगा, उसके बाद वो लास्ट लेयर में आएगा। जब वो लास्ट लेयर में आएगा तो फिर वो एरिया पूरा जो है क्या नाम है एसटीएमआई में चला जाएगा। ये एसटीएमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहलाता है, एसटी एलिवेशन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे वायवा में भी पूछेंगे और कोई केस जो है आपके उसमें भी आ सकता है, थ्योरी के पेपर में भी आ सकता है। तो एमआई इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ चीजें आती है जिसके अंदर आपको देखना होता है कि पोस्ट एमआई क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डे ऑफ एमआई अटैक, आफ्टर 3 डेज ऑफ एमआई अटैक। जब आप पैथोमा पढ़ोगे तो पैथोमा के अंदर नीचे चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। यू शुड रिमेम्बर कि किस टाइम पे क्या होता है और क्या क्या चीजें होती है, न्यूट्रोफिल्स कब आते हैं, वो वाले सेल्स कब आते हैं, और किस तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। अच्छा, दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ना सबसे पहला ट्रीटमेंट आप क्या करोगे जब आपके पास एक एक्यूट एमआई का पेशेंट आता है, और उस टाइम पे आप सबसे पहले क्या करोगे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सही है, हेपरिन देते हैं और कभी वॉरफेरिन देते हैं। ये आपका मेन क्या नाम है, क्योंकि जब आप एक्यूट अटैक आता है तो एक्यूट अटैक के अंदर आप दूसरी चीजों करने से पहले सबसे पहले आपने ये करना होता है, फिर आप एंजियोग्राफी और दूसरी चीजें सब कुछ हर एक चीज की तरफ जाते हो। तो आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट क्या होता है एमआई का, क्योंकि एमआई इंपॉर्टेंट बहुत है, वो उससे मैं बता रहा हूँ, आप इस वाइवा में भी पूछेंगे और यही पूछेंगे कि एसटीएमआई और नॉन एसटीएमआई में क्या फर्क होता है, तो यू शुड नो अबाउट इट। फिर आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और आपको पता होना चाहिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की दो टाइप्स होती है, एक राइट साइडेड एक लेफ्ट साइडेड। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कौन से हार्ट फेलियर में कोर पल्मोनाले होता है। कोर पल्मोनाले क्या है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा कोर पल्मोनाले, लेकिन वो अफेक्टेड बाय होगा लंग्स। लंग्स के डिसऑर्डर्स की वजह से कोर पल्मोनाले होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को लग रहा होता है कि ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहा हार्ट, लेकिन इश्यू जो होता है वो लंग्स का होता है, और उस लंग्स के इश्यू की वजह से हार्ट को सफर करना पड़ता है और हार्ट को वर्कलोड बढ़ जाता है। जब हार्ट का वर्कलोड बढ़ता है तो मसल्स का साइज इंक्रीज करना पड़ता है, उसकी वजह से होती है हाइपरट्रॉफी, लेकिन आसपास जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई उतनी ही रहती है, जिसकी वजह से राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। ये चीज समझ में आई आपको? सही है। उसके बाद आपके पास जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं उसमें कार्डियोमायोपैथीज होती हैं। कार्डियोमायोपैथीज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, इसके अलावा एक दो और थी। वो सारी मायोपैथीज जो है ना, वो मसल्स के अंदर कोई इशू होता है, कोई डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से हार्ट सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से हार्ट के फंक्शन के परफेक्ट आता है। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ कि जो कार्डियोपैथोलॉजी है ना, वो एक पार्ट है, मतलब कि ना
इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर आप देखोगे कि हर जगह पर जिस तरह मैंने बात की, अब मैं बात करता हूँ स्टार्ट से, एंजाइना की मैंने बात की, तो एंजाइना तो कहाँ होगा, लोकेशन क्या होगी, पेशेंट आपके पास आया, आपके पास ईसीजी आता है, तो आप ईसीजी आएगा, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी साइड के ऊपर है, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट की तरफ जाओगे, एमआई के पेशेंट की ट्रीटमेंट की तरफ जाओगे, एंजियोग्राफी या फिर कुछ भी क्या नाम है आप करते हो, और वहां पर ट्रीटमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी आर्टरी डैमेज हुई है, कौन सी आर्टरी के अंदर एम्बोलाई है या कोई चीज है, स्टेंट प्लेस वहां करना है या क्या करना है, वो ट्रीटमेंट से पहले आपको पता कैसे लगेगा ईसीजी से, क्योंकि ईसीजी के मैंने बोला कि ना ईसीजी के नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस किस जगह हो सकती है। अगर मैं एंटीरियर वॉल की बात करता हूँ, एंटीरियर वॉल पे कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, पोस्टीरियर वॉल पे कौन सी सप्लाई करती है, मीडियल वॉल पे कौन सी सप्लाई करती है, इंफीरियर वॉल पे कौन सी करती है, और लेटरल वॉल पे कौन सी करती है, जब आपको ये सारी चीजें एवरीवन, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो अभी बता दो, वेरी पॉसिबल मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, या फिर तो जो आप सुनना चाह रहे हो मैं वो नहीं बोल रहा, तो प्लीज स्टॉप, मतलब कुछ बोलो या फिर टाइप कर दे यहाँ पर। आई वॉन्ट टू नो कि क्या हमारी डिस्कशन अच्छी हो रही है या फिर कहीं पर कोई इशू आ रहा है। नो, ट्यूमर्स आपको थर्ड ईयर में करना है, ट्यूमर्स अभी नहीं करना है। मैं CVS ऑलमोस्ट पढ़ा ही रहा हूँ एक तरह से। देखें, टेंशन वाली बात तो है, CVS एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और कहीं पर कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए थोड़ी कंफ्यूजिंग मीटिंग हो रही है शायद ये। लेकिन अगर स्टिक टू द प्लान, जो भी प्लान आप बताओ, मैं प्लान अभी अपने हिसाब से बताता हूँ कि ना कौन सी चीज़ को आपको कितना टाइम देना चाहिए। लेकिन अगेन, अगर एक बंदा है उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उसका प्लान डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दोस हु आर जस्ट स्टार्टिंग और हु आर गोइंग टू स्टार्ट, दोनों का प्लान में डिफरेंस होता है। तो मेरे हिसाब से कि सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजें, जिसके अंदर हमने पैथोलॉजी, सीवियस पैथोलॉजी हमने डिस्कस की, वैस्कुलाइटिस आपने सारा करना है, वैस्कुलाइटिस करना है। वैस्कुलाइटिस क्योंकि मैं आपको बताता हूँ वैस्कुलाइटिस की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने कार्डियक पैथोलॉजी कर ली, कार्डियक पैथोलॉजी के बाद हम वैस्कुलर पैथोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमने जल्दी जल्दी डिस्कस करना है। तो कार्डियक पैथोलॉजी के ऊपर जब हम आते हैं, तो कार्डियक पैथोलॉजी के अंदर हम देखते हैं, सॉरी वैस्कुलर पैथोलॉजी डिवाइड हुआ है 2-3 चीजों में। सबसे पहली चीज है वैस्कुलाइटिस, फिर आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर आता है एन्यूरिज्म्स। ऐसा ही है, मेरे ख्याल से एक दो चीजें और थी, लेकिन मेन चीजें जो है वैस्कुलर पैथोलॉजीज की यही है। तो जब आप वैस्कुलाइटिस में जाते हो, तो वैस्कुलाइटिस में आपको मैंने अगेन बात की, आपको ये पता होना चाहिए वेसल्स की टाइप्स क्या होती है, या हाइपरटेंशन भी एक टॉपिक है, सही है। अब जब हाइपरटेंशन से याद आया कि एक पल्मोनरी हाइपरटेंशन का टॉपिक है रेस्पिरेटरी के अंदर, यू शुड डू इट, वो इम्पोर्टेंट है। खैर, तो अब बात करते हैं हम वैस्कुलाइटिस के बारे में। तो जब हमने बात की थी ब्लड वेसल्स, वैस्कुलाइटिस, आईटिस जहां पर भी आएगा वो इन्फ्लेमेशन है, तो वैस्कुलाइटिस मींस वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन। लेकिन कौन सी वेसल्स की इन्फ्लेमेशन है, क्या वो लार्ज वेसल्स की इन्फ्लेमेशन है, क्या वो शॉर्ट वेसल्स या फिर स्मॉल वेसल्स इन्फ्लेमेशन है, इसके बारे में आपने देखा होगा पैथोमा के अंदर सबसे पहले बताया हुआ है लार्ज वेस्कुलाइटिस इस तरह करके कुछ लिखा होगा। खैर, वहां पर इन्फ्लेमेशन है, तो जब आप उसके अंदर चेक करोगे तो टेम्पोरल आर्टरी के बारे में बताया होगा, कावासाकी डिजीज के बारे में बताया होगा, वो उनकी डिजीज का डिस्कस किया हुआ है, उन्होंने लोकेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, या लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस। तो इसके बारे में जो है वो ये है कि इनका जो साइज होता है, क्योंकि ये आगे जाके डिवाइड होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब दोनों को डिफरेंस क्यों रखा, डिफरेंट इसीलिए रखा क्योंकि टेम्पोरल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होगी, तो डिवाइड होके वो सर्टेन लोकेशन पे जाएगी, जिसकी वजह से आप चेक करते हो कि उसको ऑक्यूलर पैथोलॉजीज भी आती हैं, थोड़ी बहुत ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं और इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि लार्ज वेसल्स को आगे जाके डिवाइड होना है सब डिविजन में, तो टेम्पोरल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है।
जहां जहां वो डिवाइड होती है वहां वहां वो इश्यू करता हुआ जाता है, तो इसलिए उसके सिम्टम्स और उसकी चीजें ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू जब आप स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की बात करते हो, तो वहां पर जिस तरह चर्ज स्ट्रॉस सिंड्रोम है जहां तक मुझे याद पड़ता है, और एक दो और डिसऑर्डर्स थे स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में, एक कावासाकी डिजीज है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखो कि ना दोनों में डिफरेंस है कि लार्ज वेसल्स आगे जाकर डिवाइड होगी, तो जब आप एक आर्टरी के बारे में पढ़ते हो तो आप उसके डिविजन्स के बारे में पढ़ोगे तो जो डिविजन्स होगी वो डिविजन्स में इश्यूज आएंगे, जहां जहां वो जा रहा होगा वहां वहां इशू करता हुआ जाएगा लार्ज वेसल्स में, और स्मॉल वेसल्स वेस्कुलाइटिस के अंदर इशू वही होगा जहां पर वो वेसल्स प्रोवाइड कर रही है। खैर यहां तक मैं बात करूंगा सिर्फ वेस्कुलाइटिस की। उसके बाद जो है वो आता है आपका हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन साइलेंट किलर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये तो इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है, और इसके अंदर मेन जो रोल है वो ब्लड प्रेशर के बारे में जानना जरूरी है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये अगेन फिजियोलॉजी में आ जाता है, ये जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसका लिंक फिजियोलॉजी में आता है, क्योंकि जब भी आप ECG पढ़ोगे वहां पर भी इश्यूज आते हैं। अच्छा मैं एक टॉपिक भूल गया और किसी ने याद भी दिलाया, कार्डियोपैथोलॉजी में वेल्व्स का इशू होता है, सही है, स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, और इसके अलावा जो आपके पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, और ये सारी चीजें भी मेरे ख्याल से करनी है। अब लेट मी नो अगर ये क्या नाम है आप लोगों के कोर्स में है, क्योंकि मुझे लगता है कि ना करना चाहिए, लेकिन अगर ये कोर्स में नहीं तो इसको नहीं करना। जो कि स्टेनोसिस होती है और रिगर्जिटेशन होती है, टॉपिक पैथोलॉजी में कार्डिया के साथ लिंक होता है। So, do you guys have any idea क्या ये आपके कोर्स में है या नहीं है? सही है, अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के हवाले से। तो हाइपरटेंशन इम्पॉर्टेंट है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। हाइपरटेंशन के बाद, सही है, मेंशन नहीं है, ठीक है। हाइपरटेंशन के बाद जो मेन टॉपिक है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा मेन जो आपको चीज पढ़नी है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या फर्क है, उनकी टाइप्स क्या होती है, हाइलेन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये सब पढ़ना है। लेकिन मेन चीज इनके ट्रिगरिंग फैक्टर, जो भी डिजीज पढ़ रहे हैं उनके ट्रिगरिंग फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स पढ़ना जरूरी है। क्या स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, डायबिटिक पेशेंट एक रिस्क फैक्टर है, क्या ओवरवेट एक इसके क्या बोलते हैं रिस्क फैक्टर है, या फिर कोई और ऐसी कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज है जो कि रिस्क फैक्टर हो सकती है इस सर्टेन डिजीज के अंदर, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एथेरोस्क्लेरोसिस में डिपोजिशन होती है, और क्या नाम है वेसल्स अगर रफ हो जाए वहां पर आके फैट की डिपोजिशन होना शुरू हो जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और साथ साथ आपके हाइपरटेंशन के अंदर भी। तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पढ़ना है। उसके अलावा आते हैं एन्यूरिज्म। आई कांट रिमेंबर कि हमने एन्यूरिज्म पढ़ने थे नहीं पढ़ने थे फर्स्ट ईयर में, लेकिन एन्यूरिज्म की कुछ टाइप्स होती है। एन्यूरिज्म होता क्या है, एक और चीज होता है कार्डियक टेम्पोनाड। कार्डियक टेम्पोनाड ये होता है कि जो आपके जो हार्ट की हार्ट के लेयर्स होती है ना, तो उस लेयर्स के अंदर ब्लड आ जाता है एओर्टा की वजह से, क्योंकि एओर्टा की वॉल आपस में मिली हुई होती है, लेकिन फिर भी ब्लड वहां से ट्रेवल करके हार्ट की वॉल्स में आ जाता है, ये कार्डियक टेम्पोनाड होता है। खैर अब मैं आऊंगा मेन टॉपिक फार्माकोलॉजी एंड एरिथमियाज। एरिथमियाज सबसे इंपॉर्टेंट है। एरिथमियाज की टाइप्स होती है टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। जैसे ही आप हार्ट रेट बढ़ाते जाओ, जैसे ही आप हार्ट रेट कम करते जाओ, वैसे वैसे नाम चेंज होता रहता है। जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, एट्रियल फ्लटर होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़ाई थी, बट अगर आपके कोर्स में है तो आप पढ़ो, क्योंकि इसकी फार्माकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, तो ये एंटी और इसके अलावा जो हमारे पास ड्रग्स थी, एक और टाइप ऑफ ड्रग्स थी जो हम लोग पढ़ते थे इसके बारे में कार्डियो के अंदर, कार्डियो फार्मा के अंदर। एंटी एरिथमिक की डिफरेंट टाइप्स होती है, यू शुड नो अबाउट इट, सही है। एंटी एरिथमिक टाइप्स के अंदर ये देखते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ये इंपॉर्टेंट है, और इनके नेम्स साथ में इनके मैकेनिज्म
और साथ में इनके साइड इफेक्ट्स, लोकेशन किस जगह एक्ट करेंगे, इनके अंदर जब आप देखोगे तो ग्राफिकल क्या प्रेजेंटेशन होगी और एक्शन पोटेंशियल। तो ये फार्मा का पार्ट हो गया। कार्डियक ओवरऑल मेरे हिसाब से जितना मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने कर दिया है, बट अगर कोई चीज रह गई है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आई है या कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज वहां पर मतलब मैसेज में बता दें, फिर मैं प्लान के ऊपर बात करूंगा कि कार्डियो कितने दिन में खत्म हो सकता है एंड हाउ मेनी डेज यू शुड गिव टू कार्डियो, और पढ़ना कब है, कौन से मॉड्यूल के बाद पढ़ना है। Yes, you can do biochem from CVS. कुछ भी करो, you can do anything from first aid. Pathology, physiology, biochemistry, anatomy, कोई भी चीज़ हो आप first aid से कर सकते हो. First aid is the main book. First aid नहीं किया तो कुछ नहीं किया. Any other question? सही है। मैं बात करता हूँ प्लान के बारे में। सबसे पहली चीज मैंने बात की एनाटॉमी। एनाटॉमी आई थिंक अगर आप देखें तो उसके ना सिर्फ और सिर्फ ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है और थोड़े बहुत चैम्बर्स के बारे में दैट यू ऑलरेडी नो, तो आई डोंट थिंक ना यू शुड वेस्ट टाइम ऑन सीवीएस एनाटॉमी। सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करो एनाटॉमी से, और लोकेशन के हवाले से कि उसके एंटीरियर पोस्टीरियर क्या क्या चीजें होती हैं और आर्टरीज में कोरोनरी आर्टरीज आती हैं, तो आई थिंक ये एनाटॉमी लेस देन वन डे में हो सकता है अगर मैं बात करूं तो। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 6 आवर्स सही है तो ये एनाटॉमी आपका 3 से 4 घंटे में हो जाएगा, बट वी विल गिव 1 डे टू एनाटॉमी। सो 1 डे एक दिन में करनी है एनाटॉमी। अब मैं आता हूँ फिजियोलॉजी के ऊपर। फिजियोलॉजी को आप डिवाइड कर दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। सबसे पहले आपने फिजियोलॉजी को डिवाइड किया, उसके अंदर आपने एक्शन पोटेंशियल, दिस इज डिफरेंट पार्ट है, और इसके बाद जो वहां पर ट्रेवल करता है जिस तरीके से करंट ट्रेवल करता है कि ऐसे नोड से एवी नोड पे जाते हैं, एवी नोड से परकेंजी फाइबर, परकेंजी फाइबर बंडल ऑफ दिस, और वहां पर किस किस तरीके से जाकर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है, तो ये एक पार्ट हो गया। फिर एरिथमियाज फिजियोलॉजी में आते हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ना पैथोमा में तो एरिथमियाज नहीं दिए हुए, तो एरिथमियाज मेजोरिटी जो है वो फिजियोलॉजी का ही पार्ट है एरिथमिया, और इसके बारे में आपने पढ़ना जरूरी है। और इस तरीके से करके आपको क्या होगा, आपका एक्शन पोटेंशियल होगा, एक्शन पोटेंशियल के साथ साथ आप मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया और एट्रिया के साथ वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन और सब कुछ, तो इन सारी चीजों को आप डिवाइड कर दो। मेरे ख्याल से एक्शन पोटेंशियल में तकरीबन एक दिन लगेगा, और उसके बाद एक्शन पोटेंशियल करने के बाद जब आप ये पूरी सर्कुलेशन करोगे तो उसके अंदर भी एक्शन पोटेंशियल का रोल आएगा, तो आपने डन नहीं करना, बट यू शुड नो कि एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियो और एक्शन पोटेंशियल ऑफ लोकोमोटर दोनों में क्या डिफरेंस है, यू शुड नो अबाउट इट। और इसके अलावा जब आप चेक करोगे कि ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियक हार्ट और लंग्स के दौरान जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी फिजियोलॉजी का पार्ट है, वो भी करना है, उसके साथ साथ आपने ECG को देखना है। तो पहला जो पार्ट होगा वो होगा आपका एक्शन पोटेंशियल पढ़ना। जब आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सेकंड पार्ट है मसल कॉन्ट्रैक्शन, के किसकी कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड कहाँ जाता है और किसकी कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड कहाँ जाता है बेसिकली, और कौन से वेल्व्स के थ्रू जाता है, कौन से वेल्व्स क्लोज होते हैं तो ये मूवमेंट होगी, कौन से वेल्व्स खुले होंगे तो ये मूवमेंट होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मसल से रिलेटेड हो गया और एक्शन पोटेंशियल, ये 2 चीजें हो गई हैं। इसके बाद जो है सर्कुलेशन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऑक्सीजनेशन कैसे होती है। फिर जो एक और पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है वेल्व्स के बारे में, कितने वेल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड हो गया, बाइकस्पिड हो गया, और एओर्टिक में भी वेल्व होता है और पल्मोनरी आर्टरी में भी वेल्व होता है। इसके बाद जब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर और सर्टेन चीजें हैं
जिसके अंदर आपके पास ईसीजी है। अब ईसीजी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ईसीजी के ऊपर अच्छी खासी हमने पहले बात की है, तो ईसीजी कितने दिन में हो सकता है और आप इन्हें ईसीजी में करना क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ना हम कौन सी बुक पढ़ें, मेरे हिसाब से अगर आपने बिल्कुल स्टडीज स्टार्ट नहीं की हैं, यू हैव जीरो टाइम लेफ्ट, यू शुड गो फॉर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज लाइफ सेविंग, क्योंकि फर्स्ट एड के अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ना जरूरी है, आपको आउटसोर्स नहीं जाना पड़ेगा इफ यू गो विथ फर्स्ट एड। तो पहली रिकमेंडेशन है कि आपने फर्स्ट एड खोली है। मैं काम करता हूँ, मैं फर्स्ट एड खोलता हूँ यहाँ पर। खैर फर्स्ट एड में जब आप जाओगे तो उसके अंदर अच्छा खासा दिया हुआ है, और उसके अंदर यही ईसीजी बहुत अच्छा समझाया हुआ है, और साथ में जेवीपी भी बहुत अच्छा समझाया हुआ है। तो पहला स्टेप इज लर्निंग एक्शन पोटेंशियल एंड द डिफरेंसेस बिटवीन एक्शन पोटेंशियल ऑफ लोकोमोटर सिस्टम एंड एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सिस्टम। उसके बाद आप जाओगे, आपने पढ़ना है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकेशन। उसके बाद आपने पढ़ना है ब्लड सर्कुलेशन थ्रू दोज कैविटीज, जो कार्डियक कैविटी है बेसिकली एट्रियम में और वेंट्रिकुलर में। उसके बाद जब आप आगे जाओगे देन यू विल स्टडी अबाउट ईसीजी, क्योंकि आपको एक्शन पोटेंशियल पता होगा, आपको मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन पता होगी, आपको ब्लड की सर्कुलेशन पता होगी, आपको वेल्व्स के बारे में पता होगा। नाउ व्हेन यू स्टार्ट ईसीजी, तो अच्छी खासी चीजें आपके माइंड में ऑलरेडी चल रही होंगी, तो यू कैन रिलेट देन। क्योंकि स्टूडेंट अगर डायरेक्टली ईसीजी से स्टार्ट करोगे तो पीछे से बैक ऑफ द माइंड कोई चीज पता नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहेगी। तो आई थिंक यू शुड गिव एटलीस्ट 5 to 6 days टू फिजियोलॉजी ओनली, सही है, और तकरीबन 2 दिन आपने देने हैं सिर्फ और सिर्फ इसको जो आपका ये था एरिथमियाज थे, एरिथमियाज को 2 दिन देना है। तो 7 days फिजियोलॉजी, 1 day एनाटॉमी, 2 days फॉर कार्डियक पैथोलॉजी, 1 day फॉर वेस्कुलर पैथोलॉजी। और जो इसके बारे में फार्मा के लिए, फार्मा में ये रिकमेंड करूंगा जब आपका एरिथमियाज हो जाए ना, सही है, जो मैंने फिजियोलॉजी के अंदर उसको लिंक किया है, एरिथमियाज के फौरन बाद आप फार्मा करो विद इन दोज 2 to 3 days जो हमने मेंशन किया है। तो कार्डियक तकरीबन 12 to 13 days में हो सकता है, बट यू कैन रिड्यूस इट, उसको आप कम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। तो फिजियोलॉजी के डेज मैंने 5 इसीलिए रखे हैं कि ना हर कोई फिजियोलॉजी जल्दी कंप्लीट नहीं कर सकता, बट इफ यू कैन कंप्लीट फिजियोलॉजी इन 3 days तो, और उसके बाद 2 से 3 दिन आप एरिथमियाज और जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं उनको दे दें, तो अच्छा खासा आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वो कौन सी वीडियोज हैं जिन जहाँ से आप कार्डियक कर सकते हैं। मैंने बायोकेम करनी है, बट बायोकेम हिस्टोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से सबसे एंड में रखी जाए। अगर आपके पास टाइम बचे तो करो, अगर टाइम नहीं बचे तो बिफोर द पेपर यू शुड रीड द स्लाइड, मतलब पेपर से एक रात पहले एट द एंड जब आप पास्ट पेपर्स कर रहे हो फिर आप बायोकेम हिस्टो और साथ में सीएम और बीएस कर लो। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कार्डियो? ये समझ में आया कार्डियक प्लान, ताकि हम आगे मूव फोन करें। सो शुड वी स्टार्ट फाउंडेशन या फिर कुछ और करना है कार्डियो से रिलेटेड कोई भी चीज हो, बिकॉज वंस वी स्टार्ट फाउंडेशन उसके बाद फिर हम इसकी कार्डियो की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन बिल्कुल सेपरेट टॉपिक था इसलिए मैंने इसको सबसे एंड में रखा है।
ओके फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम. लेट्स टॉक अबाउट फाउंडेशन मॉड्यूल. फाउंडेशन मॉड्यूल बिल्कुल, क्योंकि अब तो आपने बहुत सारे मॉड्यूल्स कर लिए हैं तो फाउंडेशन न्यू नहीं है, सही है. लेकिन एक स्टूडेंट होता है जो कि फर्स्ट टाइम आता है तो उसके लिए फाउंडेशन मुश्किल होता है. तो अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एनाटॉमी जो है लोग मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन एनाटॉमी के अंदर सब टॉपिक्स जो थे वो थे, आपने बोन्स पढ़नी थी कि बोन्स की टाइप्स पढ़नी थी, लॉन्ग बोन कौन सी होती हैं, शॉर्ट बोन्स कौन सी होती हैं, और कार्टिलेजेस की टाइप्स क्या होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ने थे, और इसके अलावा आपने इंटेग्योमेट्री सिस्टम पढ़ना था, और इसके बाद आपने थोड़ा बहुत मस्कुलर नर्वस सिस्टम पढ़ना था, और थोड़ा बहुत आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना था, और थोड़ा बहुत आपने मस्कुलर जो बीडी चौरासी की जो हैंडबुक थी ना छोटी वो वाली. लेकिन अगर आप देखें आपने लोकोमोटर मॉड्यूल किया है तो उसके अंदर आपने बोन्स के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा एंड यू नो अबाउट जॉइंट्स, तो वो आपका बोन्स वाला पार्ट तो ऑलरेडी अब तक हो जाना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल से करनी चाहिए वो करनी चाहिए टाइप्स ऑफ एपिफिसिस, और एपिफिसिस की जो टाइप्स हैं वो आपसे वाइवा में भी पूछी जाती हैं और आपके पेपर में भी आती हैं. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटेग्योमेट्री सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम कर लो तो बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत उसके अंदर दिया हुआ होता है कि ना न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोक्लिया होते हैं वगैरह वगैरह, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड. बस उसके अलावा जो मस्कुलर्स हैं वो भी आप लोकोमोटर में पढ़ चुके हो कि टाइप्स ऑफ मसल्स क्या होते हैं और मसल्स की लोकेशन क्या होती है, और बस डिफरेंट ये सारी चीजें जो बीडी चौरासी के हैंडबुक में दिया हुआ है वो उसमें से अच्छा खासा आप कर चुके हो. अभी एनाटॉमी में कॉन्सेप्ट्स नहीं है, अगर मैं सीरियस बात बताऊं तो एनाटॉमी के अंदर कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं लगता कहीं किसी जगह पर कॉन्सेप्ट्स हैं. बट अगर आप देखें कि अगर आपके पास बीडी चौरासिया नहीं होती तो आपको ग्रेस उठा के वहां से पढ़ना पड़ता, सही है. इफ यू कैन स्टडी फ्रॉम ग्रेस देन यू शुड डू इट. मैं आज एक मिनट एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन. टीच मी एनाटॉमी के बारे में मैंने कल बताया था, सही है. अगर आपको नहीं करना बीडी चौरासिया तो इट्स ओके. टीच मी एनाटॉमी में आप गए, आप चेक करेंगे यहाँ पर द बेसिक्स लिखा हुआ है, बस द बेसिक्स में जाओ. एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, सही है, जॉइंट्स, टिश्यू, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इमेजिंग मोडालिटीज और एम्ब्रियोलॉजी. तो ओवरऑल जो है ना ये जब आप इसके ऊपर एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज पे जाएंगे तो एनाटॉमिकल पोजिशन, एनाटॉमिकल प्लेन्स, एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट, एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ लोकेशन, टर्म्स ऑफ लोकेशन इन एम्ब्रियोलॉजी. तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो चार चीजें हैं तो यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर. अब यहाँ पर चेक करो कि ना जॉइंट्स क्लासिफिकेशन है, साइनोवियल जॉइंट है, जॉइंट स्टेबिलिटी है. फिर यहाँ पर चेक करो हिस्टोलॉजी के अंदर, अब बोन्स है, स्केलेटल मसल्स है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है, स्किन है, ये सारी चीजें आपने फाउंडेशन. ये वाला जो एम्ब्रियोलॉजी के अलावा, खैर यहाँ पर एम्ब्रियो दिया हुआ है कि किस तरीके से ये सिस्टम बनते हैं, तो अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, ये ओवरऑल दिया हुआ है. तो मेरे ख्याल से ये वाली जो चीजें है ना, ये हिस्टोलॉजी, ज्वाइंट्स और एरिया, सॉरी सॉरी ज्वाइंट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लो. मैं बेसिक का लिंक आपको यहां से दे रहा हूं. चेक दिस वेबसाइट, आप इस वेबसाइट से कर सकते हो. फिर आपको मैंने एक और चीज बताई थी फाउंडेशन के लिए, मैं बता रहा हूँ क्योंकि फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत वो खेलना पड़ता है. मेमो रैंक के बारे में बताया था मैंने, सही है. मेमो रैंक मैंने लिखा, मेमो रैंक के साथ मैंने लिख दिया टाइप्स ऑफ एपिफेसिस. ये आ गया मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम. तो ये आपको ये सब कुछ दिया हुआ है, सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटल, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स एंड कार्टिलेज के दरमियान डिफरेंस, सही है. व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डज कोलेजन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अब ये थोड़ा बहुत हिस्टोलॉजी आ गया है. खैर मैं आपको बताता हूँ कि ना क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है. तो एनाटॉमी से अच्छी खासी चीजें मुझे जहां तक लगता है कि ये मैं लिंक दे रहा हूँ टीच मी एनाटॉमी का, तो अच्छी खासी चीजें जो है वो एनाटॉमी के टीच में एनाटॉमी की द बेसिक्स वाले फोल्डर से हो जाएगी, तो एनाटॉमी की इतनी टेंशन नहीं लेनी है. अब बात करते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी की, क्योंकि हिस्टोलॉजी जो है वो एनाटॉमी का ही पार्ट है. उसके अंदर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप बात करते हैं एपिथीलियम की, तो एपिथीलियम की टाइप्स होती हैं, कॉलमनर एपिथीलियम होती है, उसके अलावा आपके पास सिंपल कॉलमनर होती है, स्ट्रेटिफाइड
कॉलमनर होती है, स्कॉमस एपिथीलियम होती है, सर्टिफाइड स्कॉमस एपिथीलियम होती है। जो आपको याद रखना है इनकी लोकेशन और इनकी अपेयरेंस। अपेयरेंस आपने करनी है जैन क्वेरस से, इनकी लोकेशन जो आपने करनी है वो करनी है अपने लाइफ रिसर्च। तो एनाटॉमी के लिए अगर आपके पास बीडी 84 नहीं है या यू थिंक कि ना बीडी 84 में कम नॉलेज है, तो टीच मी एनाटॉमी से बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस आता है जिसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपको पढ़ना होता है कि जो वहां पर गैग्स होते हैं, ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकेंस, उसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिपोजिशन होती है जो आपके मैट्रिक्स में डिपॉजिट होते हैं, वो सारी चीजें जो है आपकी फिजियोलॉजी के अंदर आता है और वो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो चीज और इंपॉर्टेंट है, एक्शन पोटेंशियल भी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से आपको फाउंडेशन मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है। ज्यादातर ट्रांसपोर्ट से लिंक होता है, लेकिन ज्यादा मुझे लगता है कि एक्शन पोटेंशियल भी पढ़ाया जाता है और साथ में आपको मैट्रिक्स भी पढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर और सोडियम पोटेशियम, ये जितने आयंस होते हैं इन सब की क्वांटिटी ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कितनी होती है, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कितनी होती है, ये पढ़ाया जाता है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आता है कभी कभी केस आता है आपका उसके पेपर में केस आता है फाउंडेशन में हाइपोनेट्रीमिया का, कि एक पेशेंट आया वो डिहाइड्रेटेड है और उसके ब्लड में सोडियम कम है क्योंकि वो खाना नहीं खाया उसने, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बेहोश हो गया। अब आपके पास आया, आपने चेक किया, आपने उसका सोडियम का टेस्ट करवाया, तो सोडियम की क्वांटिटी कम होगी, ये थोड़ी लिखा होगा सोडियम लो है, लेकिन वहां पर जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स कम होंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इन न्यूट्रिएंट्स की क्या वैल्यू होती है, और उसके हिसाब से फिर आप जज कर पाओगे उस केस को कि इसको किस चीज की कमी है। फिर आप करोगे क्या, फिर वो एक अलग बात हो जाएगी, क्योंकि जो आपको कराए जाते हैं CBLs, उस CBLs के अंदर ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की बात होती है। इसके अलावा जो मैं बात करना चाहूंगा इसके बारे में, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, सही है, और मेरे ख्याल से मुश्किल है, वो आसान नहीं है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो चीजें हैं वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ना क्या है। बायोकेमिस्ट्री में है कार्बोहाइड्रेट्स, बायोकेमिस्ट्री में है प्रोटीन्स, बायोकेमिस्ट्री में है फैट्स, बस, और विटामिंस हैं। विटामिंस के अलावा आपके पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर विटामिंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और दो तीन और चीजें हैं। लेकिन सबसे मेन जो चीज है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स, जहां जहां बुक के अंदर आपको दिखे एसेंशियल्स नॉन एसेंशियल, एसेंशियल्स विटामिंस कौन से हैं, नॉन एसेंशियल्स कौन से हैं, एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन एसेंशियल्स कौन से हैं, मतलब वो डिफरेंट चीजें होती हैं। एसेंशियल्स फैटी एसिड्स कौन से हैं, नॉन एसेंशियल्स फैटी एसिड्स कौन से हैं, क्वेश्चन आते ही नहीं चीज के ऊपर। आपको नहीं पढ़ना पूरा पूरा केमिकल स्ट्रक्चर, याद नहीं करना पूरा, बट यू शुड नो कि एसेंशियल कौन सा है, ताकि कल को आपका पेशेंट आए तो आप उसको बताओ बेटा ये आपके आपका ये वाला फैट जो है ये कम है तो आपने बनाना है। आई विल रिकमेंड, वैसे मैं करना तो नहीं चाहिए, मैं फाइव केमेथ रिकमेंड करूंगा, फाइव केमेथ फॉर बायोकेम। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे टीचर थे डॉक्टर मेहताब आलम, वो अब नहीं है डाओ में, वो पकड़ लेते थे किस बच्चे ने फाइक एवज से पढ़ा है और किस बच्चे ने लिपन कॉर्ड से पढ़ा है। तो हर जगह आपको स्मार्टली जाना है, तो मैं ये बोलूंगा कि ना फाइक एवज आप कर लो, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत आर्टिकल्स या इस तरह की कोई चीज भी पढ़ लेना। बायोकेम हमेशा एंड में करनी है, बायोकेम एक दिन का काम है फाउंडेशन का। बायोकेम मुश्किल भले है, बट उसमें चीजें सिर्फ कुछ चीजें याद करनी है, आपने पूरी बायोकेम नहीं रटनी है। आप उन्हें सोच रहे हो आपको ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ना है, आपको क्रेब्स साइकिल भी पढ़ना है, शायद आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पढ़नी है, आपने ये सब नहीं पढ़ना। ये सिर्फ आपको इनिशियल स्टेजेस में मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जो आपको मेन चीजें हैं वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स, मैं उस पर आ रहा हूँ, एंजाइम्स और विटामिंस पे आ रहा हूँ, सही है। जिस तरह विटामिंस होते हैं ना, तो विटामिंस के अंदर आप चेक करते हो कि जिस तरह विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के, तो ये जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिंस हैं। कुछ विटामिंस होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जिस तरह बी और सी। अच्छा, कुछ टाइप्स होती हैं बी की, कुछ सब टाइप्स होती हैं, इसी तरह सी, सी की नहीं होती, वैसे बी की ज्यादा टाइप्स होती है, बी 12 होता है, बी 6 होता है और बी 1 होता है।
ये विटामिन बी की टाइप्स होती हैं। अब मसला आता है डेफिशिएंसीज के ऊपर, विटामिन्स की डेफिशिएंसीज, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन में काम आता है तो बोन्स वीक हो जाएंगी जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ई यूजली जो है वो आपके पास आपकी बॉडी में जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं वहां पर एक्ट करता है। विटामिन के आपके ब्लड में होता है और विटामिन के का काम यह है कि वो आपकी ब्लड पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो आपके पास विटामिन बी है उसकी कमी होगी तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं लेकिन मोस्टली एनीमिया होता है। और इसके बाद जो विटामिन सी है, विटामिन सी की वजह से बेरी बेरी सिंड्रोम होता है। यार आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि यार कौन से एसेंशियल्स है, कौन से नॉन एसेंशियल्स है, फैट सोल्यूबल्स कौन से, वाटर सोल्यूबल्स कौन से। एंजाइम्स के बारे में जहां तक मुझे लगता है इतना आपको नहीं पढ़ना, सही है। मेन चीजें जो है मैं आपको गारंटी अभी लिख के दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह गारंटी नहीं दे रहा, खैर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तो कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, बिकॉज यही चीजें पूछी आएंगी एक फर्स्ट ईयर का बच्चा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने सेकंड ईयर की जीआई के साथ पढ़ना है, मेजोरिटी चीजें पढ़नी है, आपको दो दफा क्यों पढ़ाएंगे, और वहां पर मेन रोल आएगा क्योंकि जीआईटी है। अच्छा, अब इसके बाद जब आप चेक करोगे कि ना विटामिन्स की बात होती है तो विटामिन्स के अंदर आपने क्या पढ़ना है कि ना फैट सोल्युबल वाटर सोल्युबल कौन से हैं, बस टाइप्स क्या क्या है बस, और क्या क्या है कि ना अगर इनकी डेफिशिएंसीज होंगी तो क्या क्या सिंड्रोम्स होंगे, क्या क्या डिजीजेज होंगी, तो आपके विटामिन्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे यार मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स में आपके पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीन मोनोसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड्स कौन से होते हैं, सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीन जो है आपके बेसिकली वो है डाइसैकेराइड्स हैं। फिर पॉलीसैकेराइड्स की बात आती है, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आपके पास स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो ये है कि ना इनके क्या नाम है, इनकी कमी की वजह से क्या होगा और इनकी ज्यादती की वजह से क्या होगा और ये डिग्रेड किस तरीके से होते हैं, वहां पर एग्जाम्स आते हैं, लेकिन वो भी आपने इन डिटेल जीआईटी में पढ़ना है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है कार्डियो के अंदर वो सॉरी कार्डियो बोल रहा हूँ बायोकेम के अंदर फाउंडेशन की कार्बोहाइड्रेट के, वो वहां पर फॉर्मूला में इश्यूज आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि ना कुछ जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी लोकेशन में थोड़ा बहुत इशू आता है जिसकी वजह से वो अल्फा और बीटा सेल वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, वो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बायोकेम में कुछ है। फैटी एसिड्स आर इम्पोर्टेंट, फैटी एसिड्स की टाइप्स कितनी होती हैं, सही है, और उसके अलावा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से मिलकर वो आपका फैट सेल्स बनेगा। अब ए ग्लिसरोसाइड्स और ग्लिसरोसाइड्स ट्राइग्लिसरोसाइड्स ये इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट के अलावा जो अब जब आप इसके अंदर चेक करोगे कि स्टेरॉइड रिंग्स वो चेक की वो अक्सर पूछ सकते हैं डॉक्टर्स, लेकिन मुझे लगता है कि ना ज्यादा फोकस जो मेनली होता है वो होता है एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर में आता है उसको इतना पता होना चाहिए कि एसेंशियल फैटी एसिड्स और एसेंशियल विटामिंस कौन से होते हैं, बस इसके अलावा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर अगर आपके पास टाइम बचे तो सर्टेन चीजें करो बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि ना इम्पोर्टेंट चीजें हम कौन सी करें, अगर हम दूसरी चीजें छोड़ भी दें हमारा एटलीस्ट पेपर क्लियर हो जाए, तो हम ये मीटिंग इसीलिए कर रहे हैं। अगर हम लोग स्टार्ट में करते तो इन डिटेल हम लोग बात कर रहे होते हैं हर चीज के बारे में। खैर अब हम बात करते हैं बायोकेम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, क्योंकि फैटी एसिड्स के बारे में एक और चीज बता देता हूँ कि ना इसके अंदर ओमेगा फैट्स होते हैं और ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 5 होता है, इस तरह करके कुछ आपको मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, फैटी एसिड्स आ गया। Types of fatty acids. फिर ये आ गया saturated, monosaturated, polysaturated, ये एक चीज है। फिर essentials सबसे ऊपर है essential fatty acid, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे हो आप, एक है linoleic acid, एक है alpha linolenic acid, सही है। इनकी ये कहाँ से आते हैं, green leafy vegetable flax, ये फिर vegetable oil और सेफ्लावर से ये आता है, फिर ये नीचे आके एरेकिडोनिक एसिड बनता है, सही है। फिर उसके बाद अच्छा एरेकिडोनिक एसिड आपको पता होगा कि ना आपने अगर ब्लड मॉड्यूल पढ़ा है तो एरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिंस बनते हैं, यू शुड नो अबाउट इट। ये बस एक थोड़ी सी एक ये चार्ट है,
इसके अलावा यहाँ पर ये आ जाओ, देखो ओमेगा थ्री फैट, ओमेगा थ्री जो है वो अल्फा लाइनोलिक एसिड है, और जो ओमेगा सिक्स है वो लाइनोलिक एसिड है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको स्लाइड्स में भी मिलेंगी और आपको जो फाइव केमिस्ट बुक है वहां से भी मिलेगा। तो बायोकेम इतनी मुश्किल नहीं है, बायोकेम को अगर आप फाइव केमिस्ट से कर लो आपका पूरा हो जाएगा। खैर अब मैं एक और पॉइंट पे आता हूँ पैथोलॉजी के ऊपर। पैथोलॉजी में जो आपने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो चैप्टर्स हैं सिर्फ और सिर्फ पहला वाला पैथोमा का चैप्टर, जिसके अंदर बताया हुआ है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस की टाइप्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एपोप्टोसिस की कोई ऐसे टाइप्स नहीं है, लेकिन एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान जब आप 10 डिफरेंस आपको पता लग जाए ना, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि यार व्हाट आर द 10 डिफरेंसेस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, तो अच्छी खासी चीजें क्लियर हो जाती है वहीं पर। जब आप डिफरेंसेस और कंपैरिजन के हिसाब से चलते हैं तो अच्छी खासी चीजें क्लियर वहीं पर हो जाती है। अब सबसे मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, जो कि है एम्ब्रियोलॉजी, जो सबको तंग करता है। और एम्ब्रियो में पता नहीं होता कि ना यार हम इस पे पढ़ें क्या, कहाँ से पढ़ें, शर्चिल से पढ़ें, लैंगमैन से पढ़ें, या फिर डॉक्टर नजीब देखें, या फिर हम यूट्यूब सीरीज देखें। तो मेरे हिसाब से एम्ब्रियो को आप ऐसे देखें कि इसमें अच्छी खासी चीजें लिंक करती हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप पढ़ते हो ओव्यूलेशन, जब आप पढ़ते हो ओव्यूलेटरी साइकिल, क्या नाम है, जो साइकिल्स होती हैं, इसके अंदर FSH का लिंक, LH का लिंक, ये सारा जाके आपके रिप्रोडक्टिव मॉड्यूल में जाता है, जो कि आपने सेकंड ईयर में पढ़ने, बट ये आपको अभी क्यों पढ़ा रहे हैं, पहली चीज। फिर फर्टिलाइजेशन, यहाँ से एम्ब्रियो स्टार्ट होता है, एम्ब्रियो मेकिंग स्टार्ट होता है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में हुई वहां से, ये इसके बारे में कह रहा हूँ, मेजर डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट उसमें, और उसके अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से जो आपका मोरूला है, मोरूला किस तरीके से ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, या फिर गैस्ट्रुला ब्लास्टुला, वो जाके स्टेजेस में कन्वर्ट होता है, कौन से वीक में होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से स्टेप के बाद कौन सी चीज होती है ये इंपॉर्टेंट है, कौन से वीक में होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ सीवीएस हमने डिस्कस कर लिया है सारा सीवीएस के बारे में, और कौन से वीक में होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन से टॉपिक के बाद, सॉरी कौन से पॉइंट के बाद कौन सी चीज होती है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है यहाँ पर एम्ब्रियो किस तरीके से करनी है। एम्ब्रियो इस तरीके से करनी है कि यार पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये नहीं पढ़ना इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये, क्योंकि उस टाइम पे आपको दो चीजें याद करनी होंगी, एक वो पॉइंट याद करना होगा कि क्या हो रहा है, एक वो दिन उस टाइम पे क्या हो रहा है। आपने ये पढ़ना है कि ना कौन कौन से स्टेप्स में क्या क्या चीजें हो रही है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, चौथा स्टेप, उसके बाद जब आप वीक्स में डिवाइड करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वीक्स को साथ साथ याद करते जाओ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। समझ में आई एम्ब्रियो किस तरीके से करनी है? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग फाउंडेशन और सीबीएस? क्योंकि जब रिस्पांस नहीं कर रहे हो तो मुझे लग रहा है भाई सब समझ में आ रहा है आपको। आपको सब समझ में आ गया? हाँ ये एक क्वेश्चन आया है ट्रांसक्रिप्शन। शैरल ने पूछा है कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि क्या हमें जेनेटिक पढ़ना है या जेनेटिक्स के अलावा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये हमने बिल्कुल छोड़ दिया था, किसी ने नहीं बोला कि ना बीच में ये करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन या फिर आप जीन्स की बात करते हो, डीएनए की बात करते हो, आरएनए की बात करते हो, और कहाँ से कि अभी हम ये बात कर लें, उसके बाद जिसका जो जो पॉइंट है दैट दे वॉन्ट मी टू रिपीट वो कर लेंगे, लेकिन अभी मीटिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम ये शुरू करते हैं।
ओके हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी और उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक मेडिकल स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको एक बेस बनाई जाती है ताकि फ्यूचर के अंदर जिस जिस मॉड्यूल में वो जाए, जिस जिस जगह वो जाए, उसको पहले से पता हो उसकी बेस के बारे में कि ना हाँ ये चीज़ है। तो बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले आता है DNA, फिर RNA, और इसके अराउंड जो दूसरी चीज़ होती है वो जिस तरह फॉर एग्जांपल आप चेक करते हो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारी चीज़ें, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं किसी हद तक। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट फॉर फ्यूचर और एटलीस्ट 5 questions कैन कम इन द एग्जाम फ्रॉम दिस। 5 question आ सकते हैं। पहली चीज़ DNA और RNA के डिफरेंसेस में से आ सकता है कि ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन DNA बट इट इज़ इन RNA, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर जब आप चेक करते हो कि ना ट्रांसक्रिप्शन जो होती है और ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स एंड ट्रांसलेशन के स्टेप्स, और एक और चीज़ होती है जो कि स्टूडेंट छोड़ देते हैं, वो होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये वर्ड सुना है आपने, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, सही है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट से है तो वहां पर सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 9 था या चैप्टर नंबर टेन तो हमारा क्या नाम है एवोल्यूशन था, लेकिन एवोल्यूशन से पहले ये जेनेटिक्स से थोड़ा बहुत लिंक था। वहां पर ये आपने देखा होगा कि जब इंसुलिन बनाने के लिए बैक्टीरिया में जो उसका वो होता है वहां पर प्लाज्मेट होता है, उस प्लाज्मेट के अंदर वो जीन डालने से पहले आप उसको स्लाइसिंग करते थे उसकी। एक एक्सोन होता था, एक इंट्रोन होता था। डू यू नो अबाउट दिस कि एक्सोन और इंट्रोन ये दो चीजें होती थी, इसके बारे में पढ़ा होगा, सही है। तो अब ये एक्सोन और इंट्रोन जो है ना, अब इसके अंदर से जो एक्सोन है वो पार्ट है जो आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा जो इंसुलिन है, और उसका काम है, उसका काम यही है, लेकिन जो इंट्रोन है उसका काम वो नहीं है। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि आपके DNA के जो जीन्स हैं, जीन्स में दो तरह के जीन्स हैं। एक जो है आपका यूरोक्रोमेटिन है और एक हेटरोक्रोमेटिन है। क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, उसमें यूरोक्रोमेटिन होता है और एक हेटरोक्रोमेटिन होता है। यूरोक्रोमेटिन बेसिकली एक्सोन है और हेटरोक्रोमेटिन जो है वो इंट्रोन है। हेटरोक्रोमेटिन एक इंडिविजुअल का अपना किसी और के साथ मैच नहीं होगा, जिसको हम यूज करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में। ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट से ला रहा हूँ क्योंकि इट इज लिंक टू दैट। इसके बारे में पढ़ा है कि हेटरोक्रोमेटिन, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये एक चीज थी जो आपने इंटर में हाई स्कूल में पढ़ा था, सही है। तो अब इसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि ना जब ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA पूरा का पूरा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है RNA में। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि होता किस तरीके से, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA होता है, और जब एक आपके पास उसके पास इम्पल्स आती थी। अच्छा हाँ, आप एंडोक्राइन मॉड्यूल में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर के, इसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स काम करते हैं। जो वो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर सिग्नल देते हैं आपके न्यूक्लियस को कि वो DNA क्या नाम है, DNA जो है वो कन्वर्ट हो RNA में। कन्वर्ट नहीं हो वो क्या नाम है, DNA हेलिकेस से क्या होगा, DNA के दो टेम्पलेट्स बन जाएंगे। एक वो टेम्पलेट बनेगा जिसके आगे आकर न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स लगना शुरू हो जाएंगे RNA के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल थायमिन DNA में होता है या RNA में होता है, अगर आप लोगों को याद हो, थायमिन और यूरेसिल, सही है। तो थायमिन इन DNA, अब थायमिन के आगे यूरेसिल लगेगा, बाकी यस सही है। तो अच्छी बात है, अच्छी खासी चीज आप लोगों को पता है। तो अब क्या होगा कि ना जब RNA बन जाएगा ना,
तो आरएनए जब बन जाएगा तो आरएनए के बाद वो बाहर आएगा न्यूक्लियोपोर से, सही है। बाहर आते ही, बाहर आने से पहले उसकी होगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, वो होगी स्लाइसिंग ऑफ आरएनए, ताकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन होकर, मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूँ, मैंने लिंक किया है, अगर वो पूरा का पूरा डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल अगर हम लोग इंसर्ट करते प्लाज्मिड में ऑफ बैक्टीरिया, तो शायद हमें इंसुलिन नहीं मिलता, कुछ और मिल रहा होता। क्योंकि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम बनाया है कि जब आरएनए बनता है तो उसमें से स्लाइसिंग होकर सिर्फ वही चीज़ जाती है या यूरोक्रोमेटिन जाता है जो ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन में जाने से पहले स्लाइसिंग होके वो सिर्फ और सिर्फ यूरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट होकर वो जाता है, और फिर वो राइबोसोम्स में जाकर अमाइनो एसिड्स वहां पर आके लगते हैं और एक पेप्टाइड चेन बनती है। ये चीज समझ में आई कि ये चीज क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती क्या है बेसिकली, या अगर मैं गलत हूँ तो वो भी बता दो। सही है। इसके अंदर आरएनए की डिफरेंट टाइप्स हैं, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए के ऊपर आपके पास एक अमाइनो एसिड होता है जो कि आता है और राइबोसोम्स पे अमाइनो एसिड ड्रॉप करके जाता है, और इसी तरह दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा, फिर वो एक अमाइनो एसिड ड्रॉप करेगा, और जो प्रीवियस अमाइनो एसिड था यहाँ पर बीच में एक पेप्टाइड मतलब एक ज्वाइंट बनेगा, और ज्वाइंट की एक बॉन्ड बनेगा बेसिकली, और उस बॉन्डिंग की वजह से एक एक करके इसी तरह 10 15 20 अमाइनो एसिड्स आके लग लग के पेप्टाइड चेन बन जाएगी। अब किसी ने सोचा राइबोसोम्स की लोकेशन पता है आप लोगों को, राइबोसोम्स होते कहाँ हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होते हैं या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होते हैं? सही है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जब ये राइबोसोम्स होते हैं तो राइबोसोम्स के पास आरएनए मैसेंजर आरएनए आता है। अच्छा, राइबोसोम्स के कितने यूनिट्स होते हैं ये पता है किसी को? यूनिट्स को बताओ कि लार्ज एंड स्मॉल, सही है। क्वांटिटी बताओ जो एक उनको एक वैल्यू दी हुई है। व्हाट डू यू कॉल, लार्ज कौन सा होता है, स्मॉल कौन सा होता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट? 60S, 40S, 20S, इस तरह के नाम सुने? सही है। तो अब ये है कि ये चीजें आपके क्वेश्चंस में आएंगी, और ये चीज बच्चा छोड़ देता है। सही है, ये इस तरह का होगा कि ना कौन सा सब यूनिट है राइबोसोम का, कौन सा ये कौन सा वो है। खैर, ओवरऑल बात ये करते हैं कि जब राइबोसोम्स पे अमाइनो एसिड छोड़ छोड़ के जाके वहां पर एक पेप्टाइड की पूरी चेन बन जाती है, तो वो सिर्फ ट्रांसलेशन हुई है, अभी प्रोटीन नहीं बना है, अभी उसी पे पेप्टाइड चेन बनी है। अभी उस वो एक प्राइमरी पेप्टाइड चेन है, उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है, फिर टर्शरी में कन्वर्ट करना है, ये एक स्टेप्स होता है। अब जब ये पेप्टाइड चेन है, ये रफ, ये अभी राइबोसोम्स के पास है, राइबोसोम से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से ये ट्रांसफर होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी, जिसके अंदर जो ज्वाइंट्स हैं वो आपस में इस तरह मिलना शुरू हो जाएंगे और वापस सल्फाइड बोन्स बन जाए, सल्फाइड बोन्स बनेंगे। इसके बारे में पता है आप लोगों को? सही है। तो जब वो सल्फाइड बोन्स वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाएंगे, वहां से उन्होंने जाना होता है गोल्जी अपैरेटस में। तो यहां से लेकर बेसिकली राइबोसोम से लेकर गोल्जी अपैरेटस तक ये होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सही है। ट्रांसक्रिप्शन हुई डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसलेशन हुई आरएनए से पेप्टाइड चेन बनी, लेकिन पेप्टाइड चेन से पूरी एक प्रोटीन बनी, वो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। आरएनए से एक यूरोक्रोमेटिन वाला आरएनए बना, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, यू विल लर्न अबाउट इट, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ये चीज समझ में आई, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जेनेटिक कहाँ कहाँ कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड में स्टिक हो जाए ये चीजें, ये पेपर में आती हैं, ये पूछते हैं कि ये आप बताओ कि ना क्या नाम है। हाँ, इसके बाद गोल्जी अपैरेटस से फिर वो मतलब कि ना एक
सेल से बाहर जाएगा बेसिकली, प्रोटीन जो है वो ब्लड में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एल्ब्यूमिन बना रहे हो, जब आप पढ़ोगे एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन जो है वो लिवर में बनता है और लिवर से बनके फिर वो ब्लड में आता है। तो उसका जो पूरा प्रोसेस होगा बनने का वो थ्रू आउट ही होगा, वो एक एंजाइम है, वो एंजाइम का जो थ्रू आउट बनने का प्रोसेस होगा वो होगा ही। तो जेनेटिक्स इज इम्पोर्टेंट, जेनेटिक्स थ्रू आउट, भले आप स्टेप्स दे रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जेनेटिक्स के ये वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे कि सेल किस तरीके से काम करता है। समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू कार्डियो, रिलेटेड टू फाउंडेशन मॉड्यूल, कुछ भी हो यू कैन आस्क। यार मेरे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर नहीं हुए, मेरे कॉन्सेप्ट जो क्लियर होते हैं वो डिस्कशन से होते हैं। सो दिस इज अ डिस्कशन होलसम, ऐसा नहीं है कि ना मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वो हैं, बट डिस्कशन करने से ये होता है कि ना इफ अ जूनियर जो होते हैं ना, वो भी कोई कभी भी ऐसी चीज बता देते हैं जिससे आपका आपके माइंड में वो चीज बैठ जाती है, वो कॉन्सेप्ट बन जाता है। कभी कभी सीनियर्स का भी कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है। एनर्जी फ्लो विद इन द सेल, आई थिंक एनर्जी फ्लो का मतलब एक्शन पोटेंशियल से होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं सॉरी, जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। क्योंकि क्या होता है, जब ग्लूकोज आता है तो वो ग्लाइकोलिसिस से जाता है, ग्लाइकोलिसिस से होता हुआ क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस थ्रू आउट एनर्जी, इस थ्रू आउट प्रोसेस में एनर्जी बनती है जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है और एनएडीपीएच की फॉर्म में होती है और एफएडीपीएच की फॉर्म में होती है। वो आगे जाके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो आपने रिएक्शन पढ़ा होगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी। आई थिंक ये उसके बारे में है। मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं ये नहीं बोल रहा कि ना आप उसको बिल्कुल भी ना पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि ना उसको डिटेल में ना पढ़ो, डोंट स्टडी देम इन डिटेल, सही है? बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि ना ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, जो कि आप इंटर में पढ़ चुके हो। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है और क्रैब साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऐसा ही है? या फिर ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और क्रैब साइकिल साइटोप्लाज्म, इस तरह करके था, आई एम कंफ्यूज काइंड ऑफ। खैर उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट यू शुड नो कि ये कहाँ कहाँ होती है। मैं अगेन बात कर रहा हूँ लोकेशन 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 लोकेशन, आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ हो रही है, भले आप वो पूरा टॉपिक ना पढ़ रहे हो। कोई और क्वेश्चन? और सबको सब समझ में आ गया 100%, किसी की कोई क्वेरी नहीं है? ओके फिर लेट्स एंड द मीटिंग। और अब फर्स्ट ईयर तो हमने खत्म कर दिया। हाँ यार मैं इसको अपलोड करूँगा, आज थोड़ा सा मैं खुद डाउन फील कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, ख़त्म हो गया, हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। अभी मैं इसको अपलोड करूँगा, कल यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। इससे पहले वाले जो दो सेशंस थे वो भी हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, अब ये वाला जो सेशन है ये भी कल शाम तक अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर तो हमने कर लिया है, फर्स्ट ईयर में कोई और ऐसी चीज दैट यू वांट टू डिस्कस इन फ्यूचर वीडियोस, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ना हमने मेजर चीजें कवर कर ली हैं। अब आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो फॉर फर्स्ट ईयर, उसके बाद क्या नाम है, अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसके ऊपर डिस्कशन करनी होगी फर्स्ट ईयर की तो हम करेंगे। यस वाइवा की करेंगे, लेकिन वाइवा से पहले अभी वाइवा जो होगा ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि ना वट वी कैन डू, कुछ वॉलंटियर्स हो और मैं वाइवा के क्वेश्चन उनसे पूछूं जैसे टीचर्स पूछते हैं, और अदर्स कैन सी कि ना हाँ ये किस तरीके से है और टीचर्स किस तरीके से बात करते हैं।
इफ यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकता हूँ. मेरे पास वाइवा के क्वेश्चन रखे हुए, वो वाइवा के क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और मैं कभी कभी एक कोई स्लाइड दिखा दूंगा और एक दो एक टीचर और एक स्टूडेंट रोल प्ले करेंगे और यू विल सी द सिचुएशन और उसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो. अगर कोई वॉलंटियर करना चाह रहा है तो फिर हम वो भी कर सकते हैं, बट पहले टॉपिक्स तो कंप्लीट कर लो पहले. वाइवा के ऊपर मैं बता दूंगा पूरा. यार फर्स्ट एड ले लो, फर्स्ट एड ले लो, मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट एड को ऑर्डर कर लो. फर्स्ट एड यार फर्स्ट एड जो है ना वो मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगी इजीली, इतना कोई इशू नहीं है. सबसे पहले तो ये कि ना आप फर्स्ट एड के पीडीएफ जो मैंने आपको बुक्स भेजी है ऑनलाइन पीडीएफ, वहां से आप फर्स्ट एड का पीडीएफ आप उठा के देखो एंड चेक इफ यू रिमेम्बरिंग स्टफ के फ्रॉम फर्स्ट एड देन ऑर्डर इट. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना हर किसी को हर चीज पसंद नहीं आती है. मेरे कहने पर नहीं चलना, अपना प्लान सोचना है. मेरे सीनियर्स ने मुझे अलग अलग चीजें बताई, मैं अपने प्लान से जा रहा हूँ. तो इस वजह से मैं बोलूंगा कि ना डोंट फॉलो मी, फॉलो योरसेल्फ. आई एम जस्ट गिविंग यू मोटिवेशन, टेलिंग यू अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. उसके बाद जो है वो आपको तैयारी खुद करनी है अपने हिसाब से. एक स्टूडेंट होता है वो लॉन्ग बुक्स भी एक महीने में खत्म कर देता पूरी, एक स्टूडेंट होता है वो शॉर्ट बुक भी नहीं कर सकता. तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का माइंड किस तरीके से काम करता है, वो कितनी मोटिवेशन लेके बैठा हुआ है, कितनी डेडिकेशन लेके बैठा हुआ है. सो आई विल से कि ना फर्स्ट एड को एक दफा पीडीएफ फाइल देख लो, एक दिन में ऑर्डर करोगे एक दिन में बुक आ जाएगी. फर्स्ट एड से कोई भी चीज आई थिंक अगर आप 10 दिन में कोई चीज कर रहे थे वो आपके फर्स्ट एड से 7 दिन में पूरी हो जाएगी. लेकिन फर्स्ट एड के अलावा कुछ और नहीं करना, लेकिन फर्स्ट एड को पूरा समझ लेना. आई होप यू गेट माय पॉइंट. अबे तुम लोगों को डेविडसन की क्यों टेंशन हो रही है अभी से? डेविडसन तुमने थर्ड ईयर में पढ़नी है. हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है. और दूसरी चीज थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फैमिली पूरी डॉक्टर होती है, उनके अम्मी अबू डॉक्टर होते हैं, उनके भाई डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको सीनियर्स मतलब इनफ सीनियर्स उनको वहीं घर में मिल जाते हैं, तो दे गाइड देम वेल, सो दे नो व्हाट टू डू. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड में इतने डॉक्टर्स नहीं होते और वो फर्स्ट टाइम डॉक्टर बन रहे होते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं. और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंटर से आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हाई स्कूल से आते हैं. अब वही आ जाता है कि ना स्टूडेंट मेहनत बहुत करता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ बुक्स, क्वालिटी ऑफ मटेरियल इन द बुक, ये इंपॉर्टेंस रखता है. जिस समय ओवरसीज यूनिवर्सिटी में हूँ, DIMC में, तो वहां पर इंटरनेशनल बच्चे जो होते हैं वो हम लोग माइक्रो थर्ड ईयर में करते हैं. उसने नोट्स बनाए हुए जब वो हाई स्कूल में था, उसने माइक्रो के ऑर्गेनिजम्स के नोट्स बनाए हुए हैं जब मैं हाई स्कूल में था. दैट मीन्स कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड जितना स्ट्रांग होगा तो स्टूडेंट उसी के हिसाब से स्ट्रगल करता है. जिसका स्ट्रांग नहीं होगा वो स्ट्रगल करके बहुत आगे जा सकता है, और जिसका स्ट्रांग होगा वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद रख के भी नीचे गिर सकता है. तो इट डजंट मैटर, बस फोकस ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट लूज ना हो कभी भी, कहीं पर भी कोई भी तुमसे रोक कर रिलेटेड टू योर मॉड्यूल तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, तुम्हें उसकी ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए. रट्टा नहीं, डिटेल एंड कॉन्सेप्ट. अगर ये आपको पता है ना, तो आई थिंक मेरी ये जो जितना मैं सेशंस कर रहा हूँ ना, इन सब का फायदा मुझे तभी मिलेगा जब यहाँ से जाने वाले बच्चे कल को अगर इनसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उनको डिटेल नहीं तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता हो ये कहाँ की बात कर रहा है. मेरे कहने का बस यही मकसद है पूरा. तो ओवरऑल अगर आप लोगों को लगता है कि ना ये सेशंस और होने चाहिए तो वो भी मुझे बता दो, क्योंकि अब मैं शायद सेकंड ईयर स्टार्ट करूंगा. फर्स्ट ईयर के फिर हम सब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे, हम पैथोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और हम पैथोलॉजी की डिजीजेस को डिस्कस करेंगे बकायदा. तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो क्योंकि फिर उसके लिए फिर मुझे खुद बैठ के मैं पढ़ाई करूंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को. वीडियोज से ही कॉन्सेप्ट मिलते हैं एमन, वीडियोज से ही मिलते हैं. वीडियोज अगर नहीं की तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा. शरल यही आइडिया था, यही प्लान था कि आई विल डिस्कस सब्जेक्ट्स. हम लोग तो ये भी प्लान्स की बात कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है. अगर हम लोग मैं बहुत पहले स्टार्ट करता हूँ तो शायद अभी हम सब्जेक्ट्स ही डिस्कस कर रहे होते इस टाइम पे, क्योंकि मेरा यस पैथो डिजीजेस, मैं जिस तरह मैंने तुम्हें MI को लिंक करके दिया, इसी तरह मैं चाहता हूँ हर डिजीज को लिंक करें हम लोग. फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, हर सब्जेक्ट के साथ पैथोलॉजी को लिंक करना है. कहाँ लिंक हो रहा है, आई नो इट,
आई कैन एक्सप्लेन वेल, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दो तीन बुक्स से. मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ना क्या पढ़ना है आपने. तो इस तरीके से आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, एटलीस्ट पैथोलॉजी के स्टेशन तो आपके अच्छे हो जाएंगे. फिर नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है कॉन्सेप्ट जो बुक पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट, यार अगेन स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, अगर वो थिंग्स को डिफरेंटली देख रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना वो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं बुक से. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट का बहुत मेन रोल होता है, लेकिन अगर वो आपने गलत कॉन्सेप्ट लगाया तो वहां पर वो चीज पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उस दिन बात की थी टीबी की, टीबी और उसको मैंने लिंक किया था, तो आपको पता है यार इसको ब्लड डिसऑर्डर है, सॉरी इसको पॉपुलेटिव डिसऑर्डर है, इसको मुझे वॉरफिन देना चाहिए. लेकिन अगर आपने ये नहीं देखा कि नहीं यार टीबी के बारे में आपने नहीं पढ़ा, तो उसकी वजह से आप गलत ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बुक्स अच्छी होती है कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी ने एक मेंटोर की, किसी एक बंदे की, भले वो आपको एज वीडियोस देख लो आप, भले आप कोई भी चीज देख लो, जो कोई सीनियर कोई डॉक्टर वो आपको वो चीज समझा दे, क्योंकि आई थिंक क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बुक्स काम नहीं आती, आपका क्या नाम है आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो काम आते हैं. मेरा ये दिमाग कहता है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा चीजें सीखी ही वार्ड्स में, कि वार्ड्स के नाम देखते थे पेशेंट्स को और पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते थे, पेशेंट्स की एग्जामिनेशन करते थे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स देखे, तो उसके बाद ही हमें समझ में आया कि ना मेडिसिन है क्या, एमबीबीएस है क्या. सेकंड ईयर तक तो हम तफरियां कर रहे थे सीरियसली. तो आई विल से कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए आपको वीडियोस देखना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में आप जहां जाओगे वीडियोस के बगैर नहीं जा सकते. वी आर लिविंग इन 2021, मतलब होने वाला है 2021 तो. लेकिन मेरे आप चेक करो कि ना जब 1980s में लोग होते थे उस टाइम पे वीडियोस अवेलेबल नहीं होती थी, तो लोग बुक्स पढ़ते थे, साथ में नोट्स बनाते थे, डायग्राम्स बनाते थे, बहुत सारी चीजें करते थे बुक्स के साथ, उससे बुक्स नहीं पढ़ते थे. बट वी हैव वीडियोस, तो हर एरा में चीजें चेंज होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं. तो अब हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास PDFs हैं, बहुत सारी चीजें हैं दैट यू कैन यूज, हमारे पास ऑडियो नोट्स भी हैं, तो वो भी आप सुन सकते हो. गोल्जन की ऑडियोज होती हैं, पैथोलॉजी डिस्कस करता रहता है वो सारी चीजें. तो आई विल से कि ना बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और इजी ऑप्शंस मौजूद हैं. मैंने एक चीज बुक से पढ़ी, दो दिन हो गए मुझे समझ में नहीं आई, वही चीज मैंने वीडियो देखी 15 मिनट में समझ में आ गई. सो आई विल से टाइम मैनेज करना, टाइम बचाना इज द मेन थिंग, और वीडियो देखने से आपकी चीज आपके दिमाग में स्टिक कर जाती है. एनी अदर क्वेश्चन और थिंग दैट यू वॉन्ट टू नो, then we will end the session. अली तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? चीजें समझ में आ गई सारी? सही है. ओके, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. कल से शायद मैं सेकेंड ईयर के सेशन स्टार्ट करूंगा, देन वी विल कम टू द पैथोलॉजी थिंग. ओके, बेस्ट ऑफ लक, और दुआओं में याद रखना. आई एम एंडिंग द सेशन, और ये कल शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.